आप सभी दोपहर के इस समय पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये बात दर्शाती है कि आप कितना उत्सुक है इस कार्यशाला में बताए गए विषय के साथ जुड़ने के लिए। सो आज की जनरल असेंबली का विषय तो आप सभी ने पढ़ा, फिर से एक बार मैं उसको आपके सामने बताना चाहूँगी। क्लीन माइंड एंड क्लियर इंटेलेक्ट फॉर स्ट्रेस प्रिवेंशन, तनाव रोकने के लिए मन और बुद्धि की सच्चाई और सफाई। अक्सर हम देखते हैं जिस समाज का हम आज हिस्सा है, उस समाज में तनाव, स्ट्रेस, टेंशन इतना कॉमन हो गया है कि लोगों को इसे बोलने के लिए कि मैं स्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ, देर नहीं लगती है। आज आप छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उनको देखेंगे, कितनी बार ये शब्द वो इस्तेमाल करते होंगे, गिनती नहीं है। स्ट्रेस है, टेंशन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ। तो किस चीज़ का इतना प्रेशर आजकल के बच्चे, जवान, बूढ़े, बहने, भाई सबके ऊपर किन चीज़ों का ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है? तो महसूस ये होता है कि हम सभी भाग रहे हैं और एक अंधी दौड़ है जिसकी मंजिल हमें खुद पता नहीं है, उस रास्ते पर हम दौड़ रहे हैं। तो स्ट्रेस के इस दौर में हमारे बीच ऐसे महानुभाव उपस्थित हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक मुकाम हासिल किया है। तो जो मुकाम हासिल किया है उस मुकाम तक पहुंचने के रास्ते में ज़रूर आपको इस तरह के सिचुएशंस का सामना करना पड़ा होगा जिसमें तनाव अधिक है, टेंशन है, चैलेंजेस है, फेस करना है। परंतु आप उनको क्रॉस करते हुए अपने अनुभव से आगे बढ़ते हुए आए हैं। तो आज फिर से हम एक बार मंच पर आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बार करतल ध्वनि से सभी मंचासीन महानुभावों का स्वागत है। आज का विषय है क्लीन माइंड क्लियर इंटेलेक्ट फॉर स्ट्रेस प्रिवेंशन। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब्जेक्ट पढ़कर कि अक्सर हम स्ट्रेस की चर्चा करते हैं कि स्ट्रेस कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है, कैसे हम उसके साथ डील करते हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं ज़्यादा स्ट्रेस अगर क्रिएट होता है, इनकी बात करते हैं। लेकिन कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन हाँ। सो इसीलिए आज का सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि स्ट्रेस हमें हो ही ना, इसके लिए हम कैसे अपने माइंड को क्लियर और क्लीन रख सकते हैं, इंटेलेक्ट को भी क्लियर रख सकते हैं। इस विषय में हमारे सामने अपने अनुभवों के साथ हाजिर होने के लिए मंच उपस्थित है, पैनल उपस्थित है। हम एक एक करके उनके जीवन के अनुभवों से जानना चाहेंगे कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में स्ट्रेस के साथ डील किया है या स्ट्रेस, तनाव, टेंशन को आने ही नहीं दिया है। तो पहला प्रश्न पूछने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर अरुण शर्मा जी को। ओम शांति। ये सेशन है ना, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है क्योंकि आपसे आपस में हम लोग का इंटरेक्शन होगा और पैनलिस्ट जो हैं उनका विचार देंगे खूब संक्षिप्त में और आपका भी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं पहले सुखबीर सिंह जी से ये शुरुआत करते हूँ। आपका अपने जीवन में और अपना कर्मक्षेत्र में, कार्यक्षेत्र में तनाव मुक्त रखने के लिए आपने आध्यात्मिक को कितना तक इस्तेमाल किया है, कितना प्रयोग किया है आपके, इसके बारे में आपका अपना विचार रखने से। ओम शांति। अभी डॉक्टर साहब ने मेरे से ये पूछा, शायद ये मेरे दिल में भी था, मैंने एक चीज़ तो यही भावना पैदा होगी, अभी जो दूसरे के दिल में होता है वो कैसे वो आता है,
मेरे मन में ही था कोई चीज़ बताने के लिए, लेकिन ये मेरे से आपने ही पूछ लिया। अभी आपका ओम शांति की तरफ कैसे झुका हुआ यही समझो। आपको मैं बताऊं, बहुत छोटे से वाक्य हैं। अभी तो मैं दो चीज़ें होती हैं, पहले मैंने इनसे अपना परिचय दिया रघुनंदन जी से, जब मैंने ये बोला ना मैं आम आदमी पार्टी से, ये थोड़ा सा हंसे। उसके बाद मैंने विनायक जी ने पूछा भाई आप कहाँ से हो, मैंने कहा मैं केजरीवाल का सिपाही हूँ, तो ये और भी थोड़ा सा वो है। मैंने कहा यार मैंने ज़िंदगी में दो चीज़ देखी हैं, क्लास में या स्कूल में किसी बच्चे का, या तो बच्चा इंटेलिजेंट हो, प्रिंसिपल उसका नाम जानेगा, स्कूल का हेड, या फिर वो नोटी बॉय हो, तो दो में से कोई ना कोई चीज़ हमारे अंदर होगी, तभी ये एकदम दोनों मुस्कराए या कुछ अछूत होंगे। क्योंकि अभी बहन जी ने बताया ना प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट की बात नहीं कर रहा, तो मुझे यही बात आ रही है अपने विधानसभा की तरफ। तो मैं जब जैसे मैं जीत के गया, तो हमारी बहन गीता बहन हमारे वहाँ सेंटर चलाती हैं, तो मेरा पहले ही इंट्रैक्शन था, मैं आकाशवाणी में डायरेक्टर था, इस राजनीति का मेरा सफ़र सबसे छोटा ही होगा, यहाँ सब जो लोग बैठे हैं और मेरा बग्गा साहब भी बैठे हैं मेरे साथी हैं, शायद उनका सफ़र भी यही होगा, पहली बार ही हम चुन के आए। मैंने अभी देखा उनको यहाँ जब आए ना इंट्रोडक्शन के लिए, मुझे पहले नहीं पता था ये भी आए हुए हैं। तो मैं यही सोच रहा था यार हम इसकी तरफ कैसे, गीता बहन ने कैसे मेरे को मोड़ा, क्योंकि जैसे ही मैं विधायक बन के आया था आदमी के अंदर राजनीति बात की हमें पता नहीं था, पर लेकिन एक पता नहीं क्यों अहंकार सा आ जाता है आदमी। मैं डायरेक्टर था तब कोई वो नहीं था, एक आम आदमी की तरह जीवन जीता था, गाड़ी थी चला जाता था घर से, जो मेरे से होता था लोगों की कर देता था। लेकिन जैसे मैं बन के आया एक महीने के अंदर, मुझे एक इंसिडेंट मेरे घर पे हुआ, एक आदमी आया और उसने मेरे दफ्तर के ऊपर पत्थर फेंक दिए, शीशे तोड़ने, और 100 आदमी इकट्ठे। किसी ने मेरे को घर में जाकर बताया भाई तुम्हारा दफ्तर तो ये महीना तो हुआ नहीं, तुझे विधायक बने, एक तोड़ने के लिए आए हुए हैं। मैं बोला यार चल के देखता हूँ। मैंने देखा सचमुच एक आदमी 50-100 आदमी लिए हुए, वो मुझे गालियाँ दे रहा, कुछ कुछ मतलब जो उसके मन में आए वो कह रहा था, और मैटर क्या था पानी का। मेरे दिमाग में एकदम स्ट्रेस हो गया यार, आज तू बनाया अभी इसके सामने तू कैसे जाएगा। मैं गया, मैंने देखा उस आदमी को, अरे मेरे को घटना याद आ गई। मैं बोला ये तो वो आदमी है, क्योंकि मैं पहचानता था ही मतलब गांव के आसपास के आदमियों को। मैंने उससे पूछा, मैंने उसका हाथ लगाया, मैं बोला भैया क्या बात है। तो जैसे उसने मेरी तरफ देखा, पता नहीं क्या था मेरे यहाँ, आधा तो वो वैसे ही कमज़ोर हो गया, जैसे वो गालियाँ दे रहा था ना, जैसे मैंने उसका है भाई पहलवान क्या बात होगी बताओ। मैंने दूसरे बच्चे को बोला भाई तुम इसको पानी पिलाओ, क्या बात होगी, ये पानी के लिए आया, पानी पिलाओ बिठाओ। मैंने पूछा, कहता मैंने आपको वोट दिया है, ये दिया, मतलब उसने मेरे पर 10 क्वेश्चन कर दिए। मैं सुनता रहा, मैं सोचा यार चलो। मैंने उसको बिठाया, बिल्कुल तसल्ली दी उसको। तसल्ली देने के बाद मैंने कहा भाई क्या बात आप बताओ, कहता जी मेरे घर पानी नहीं जाता, मैं बोला भिजवा देंगे भाई, था उसका और कोई मोटिव। तो जब मैंने उसको बिठा लिया, तब मैंने पूछा भाई सच बताओ, ये 100 आदमी बैठे हैं, मैं एक महीना पहले जब मैं विधायक नहीं था तब तू मेरे घर आया था, और तू 3 घंटे तक जब तक मैं अंदर था अपने घर में तैयार होके दफ्तर में जाने के लिए, तू पेड़ के नीचे बैठा रहा मेरे फार्म पे, और जब मैं बाहर निकला तूने कहा अंकल जी मेरे बेटे की नौकरी लगी है, इसका अटेस्टेशन फार्म करेक्ट सर्टिफिकेट जो होता है फर्स्ट में, वो क्लास 1 अफसर से होता है, कहता ये कर दो। मैंने गाड़ी में बैठने से पहले ही ये कहा, मैंने पूछा भाई चाय पी ली, कहता हाँ चाय तो मेरी माताजी ने पिला दी उसको, कहता चाय तो मैंने पी ली पर मैं बाहर बैठा, क्यों अंदर क्यों नहीं आया, कहता सर डर लगता था अधिकारी हो, पर मैंने उसका कर दिया तो मेरे पैरों को कहने लगा तुम मेरे भगवान हो। मैं बोला आज एक महीने के अंदर ये बताओ मेरे अंदर क्या कमी आ गई, कोई मेरी शक्ल बदल गई या कुछ हो गया जिससे तू मुझे गालियाँ दे रहा है। मैंने कहा भी कोई आत्मा का मेरे में कमी आ गई, मैंने फिर सोचा। फिर मैंने बाद में उससे 3 दिन बाद फिर एक घटना घट गई, जैसे वो तो मैं आया था उभर के, एक गांव में पानी नहीं आता, वहाँ हमारे पानी की समस्या थी, मैंने कहा भी इस गांव में पानी नहीं आता, मैंने एक्सीएन को बोला भाई कल वहाँ खुदाई कर दे और इस गांव में पानी दे दे, एक प्लांट चला था। तो जैसे ही दूसरी पार्टी के उन्हें पता लगा भाई ये विधायक तो रात को बहुत सोशल की बात सोचता है, इसको कंडप कैसे करना है, उन्होंने कहा भाई ये तो हमें खारा पानी दे रहा है, और वहाँ एक मोब खड़ा कर दिया, सड़कें जाम कर दी। अब मुझे भी नहीं पता था भाई नहीं जाना चाहिए, दूसरी पार्टी जब करती हो तो आदमी ने साइड से निकलना चाहिए, बाद में देख लेना चाहिए, लेकिन पर मैं नया नया था, मैंने सोचा चल मैं जाता हूँ,
मैं जैसे पब्लिक में पहुंचा तो नारेबाजी शुरू कर दी, दलाल चोर है। मैंने सोचा यार अभी से क्या चोरी कर ली, कहता पानी का चोर है, अपने गांव में पानी ले जाएगा। एक 90 साल की औरत आई और उसने मेरा एक ग्रेवान पकड़ लिया। अब मैं उसको छुटवाऊँ तब मुझे पता अगर छोटा सा भी झटका लग गया, मैं उसको माताजी कह रहा है माताजी तेरा बच्चा हूँ, अगर मेरे से कोई गलती होगी हो, कहती नहीं तू चोर है, तू चोर है। और मैं पुलिस वाले ने मतलब मुश्किल से छुटवाया। मैंने कहा यार ये राजनीति साड़ी कुछ नहीं है। मैंने उसी टाइम एक्शन को बोला भाई तू इस काम को बंद कर दे, जब ये पानी गंगा का हो जाएगा ना तब इसको लगा दूंगा। मैं हाथ जोड़ के आ गया और उस दिन मैंने सोचा आज राजनीति से संन्यास ले लूँगा। भाई मैं इधर नौकरी में बहुत बढ़िया था, ना कोई टेंशन थी ना कुछ था, अपना आम आदमी की वो कर रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद लोग आए मेरे पास, पानी की तो कमी थी, कहते भैया मैं बोला भाई देखो मेरी एक शर्त है, उस माताजी को जरूर दिखा दो भाई, वो किसके, कोई मुझे नहीं बता रहा भाई वो किसके घर में थी, किसने सिखाया था किसने नहीं। तो कोई बात ना, टाइम बीतता गया, मैंने पानी तो मतलब दे दिया। एक दिन मैं डॉक्टर के पास बैठा और वो बुढ़िया लाइन में लगी हुई थी और मेरे दिमाग में उसका चेहरा बिल्कुल याद था, किसी ने नहीं बताया पूरे गाँव में अभी किसकी माँ है वो किसकी नहीं। तो जब मैंने एकदम देखा यार ये तो वही माता जी है, मैं डॉक्टर के साथ बैठा था। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा माता जी क्या है, कहती बेटा बीमार होगी। मैंने उसको कहा भी डॉक्टर साहब दवाई तो दो पहले, बाद में पूछेंगे। मैंने माता जी को चेकअप करा दिया और मैंने कहा माता जी पानी आता है, कहती हाँ बेटा अब तो वो बहुत बढ़िया पानी आता है, पानी वही था जो मैंने जुड़वाया था। मैं बोला माता जी कहाँ से आता है, कहती बेटा, मैं बोला माता जी मैं विधायक हूँ, बस बुढ़िया कहता है वहीं के वहीं पसीना आ गया एकदम। कहती है तो डॉक्टर भी हैं और ये विधायक भी था, तुमने तो बहुत गलती कर दी। मैंने कहा नहीं माता जी बैठो, क्या बात है। कहती ना बेटा मैं तो तेरे से मिलने के लिए ना 4 महीने हो गए पर मैं डरती नहीं आ रही थी। मैं बोला क्या हो गया, कहता मेरा बेटा था ना जहाँ तू ऑफिसर था उस नौकरी करता था और वह गुजर गया, लेकिन उसे कागज़ कोई नहीं मेरे को जान देता और मैं डरी हुई हूँ, अगर तू विधायक के घर चली गई ना तो उसको याद आ जाएगा भाई तेरा कॉलर पकड़ा था। मैं बोला माता जी मुझे यही आत्मा की शांति ओम शांति से मिली है, ये कभी मत सोचना, क्योंकि मैं उस चीज़ से बहुत ऊपर जाना चाह रहा हूँ और मैंने उस माता को बिठाया। और पूछो मैं उसी दिन से मैंने कहा भाई इस शक्ति में कोई ऐसी चीज़ है जो मैं सेंटर में जाता हूँ और आत्मा से वो करना चाह रहा था। भाई मैंने राजनीति से बिल्कुल परहेज हो गया एकदम, एक भाई बहुत गंदी चीज़ है। लेकिन मैंने फिर ये सोचा, गीता बहन ने मेरे को कहा नहीं भैया आपको राजनीति नहीं छोड़नी, इस कीचड़ में ही रह के आपने कमल खिलाना है, यही एक आत्मा की शांति। तो इसलिए मैंने ये सेंटर ज्वाइन किया और मेरा इन्होंने टिकट कराया आज से 1 महीना पहले, लेकिन संयोग से वो टिकट भी मतलब जो है कैंसिल हो गया। मेरे बेटे भी आना चाह रहे थे, मैंने कहा भी मेरे तो किस्मत में नहीं है माउंट आबू जाना, कैसे जाऊँ। तो तब फिर मैंने कहा कोशिश करी भाई मेरे घर में ट्रेजडी होगी, मैंने यहाँ मैसेज भेजा मैं नहीं आऊँगा। पता नहीं कल परसों की बात है, मुझे रात को ही फ़ोन आया भाई आपका टिकट हो गया, वोल्वो से भी कराया फिर भी उदयपुर से आना पड़ रहा था। पर मैंने यहाँ के संयोग से देखा अभी जिसको बाबा बुलाते हैं ये यहाँ पे आना पड़ता है वो जरूर आएगा और हम दो आगे मेरे चारों बेटे घर पे रहना पड़ गया, लेकिन मुझे जरूर बुला रखा था। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ इन सब का, और इन महानुभवों से दर्शन होने थे इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। हम भी आपके बहुत बहुत आभारी है सुखबीर सिंह जी, जो आपने अपने जीवन का इतना अच्छा अनुभव सुनाया, बहुत ही सटीक जवाब दिया हमारे सवाल का आपने कि आध्यात्मिकता को आध्यात्मिक वैल्यूज़ को अब अपने जीवन में और कार्यक्षेत्र में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और उसका कैसे फ़ायदा आपको मिलता है। तो मन को शांत, चित्त को भी शांति मिलती है जिसके कारण आप अनेकों को उनकी गलतियों के बावजूद माफ़ भी कर सकते हैं और गले भी लगा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जीवन से हमने बहुत कुछ सीखा। अगला प्रश्न हम रघुनंदन शर्मा जी से पूछना चाहते हैं और सवाल है कि क्लीन माइंड, जैसे हमने यहाँ देखा हिंदी में कहा सच्चाई और सफाई मन और बुद्धि की, का इसका आपके जीवन में क्या महत्व है। रघुनंदन जी आपके जीवन में क्लीन माइंड और क्लियर इंटेलेक्ट का क्या महत्व है।
मेरा प्रश्न ऐसा है कि वो मेरे साथ आपका भी है, क्योंकि मन और बुद्धि की सच्चाई का मेरे जीवन में क्या प्रभाव है, ऐसा करके पूछा शायद। तो ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मन और बुद्धि की सच्चाई के बीच में जो विषय आज का है, उसमें तनाव भी एक शब्द है, और मन और बुद्धि की सच्चाई और पवित्रता अगर किसी के मन और बुद्धि में है तो निश्चित रूप से तनाव पर भी विचार करना पड़ेगा। तनाव अगर होगा तो ये दोनों चीज़ें नहीं आ सकती, ना मन में सच्चाई हो सकती है, ना बुद्धि में सच्चाई हो सकती है, ना पवित्रता हो सकती है। मन बुद्धि की पवित्रता और सच्चाई के लिए तनाव मुक्त होना बहुत आवश्यक है, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे जीवन में तो ये बिल्कुल चरितार्थ हुआ है। मैं 2 बार विधायक रहा राजगढ़ से मध्य प्रदेश में। मैं कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं हूँ, पर चूंकि ये दोनों शब्द जो हैं आज का विषय है, ये मेरे जीवन में चरितार्थ हुआ है। मन और बुद्धि की सच्चाई और पवित्रता के कारण ही जनता ने मुझे चुना। अब मैंने एक बीच में एक बात बोली थी, तनाव मुक्त रहना। तनाव मुक्त रहने के और बहुत सारे तरीके हैं, परंतु जो 2 बातें मुझे मालूम है, जो मैंने अपने जीवन में उतारी और उसके कारण मुझे वो लाभ भी मिला जो तनाव मुक्ति के बाद मिलता है। तनाव से मुक्त रहने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जो यहाँ हम सीख ही रहे हैं। हम जब भगवान पर विश्वास करेंगे, और केवल विश्वास नहीं करेंगे, अगाध विश्वास करेंगे, सारी बातें भगवान पर छोड़िए। अब ये मान सकते हैं अपन, ये कोई तर्क का विषय नहीं है कि भगवान है कि नहीं। भगवान होगा तो ठीक है, भगवान नहीं होगा तो ठीक है, परंतु भगवान होने का विश्वास रखने पे मुझे व्यक्तिगत फायदा है, इसलिए ये मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है कि भगवान है, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत फायदा है उससे, हर एक को मतलब। इसलिए भगवान पे विश्वास अगर आपने किया तो आप विश्वास जानिए, एक बार आप प्रयोग करके देख लें। तनाव के जितने भी कारण जीवन में रहते हैं, उन सारे तनाव से निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी जब हम ये सोच लेंगे, जैसे सुबह के सत्र में हमने सुना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो फिर ये भी सोच लें कि जो भी तनाव के कारण हैं, उन सारे तनाव के कारणों को भगवान को समर्पित कर दें तो तनाव से मुक्ति मिलेगी निश्चित रूप से। दूसरी बात जो मैंने अपने जीवन में की है वो बता रहा हूँ आपको मैं, वो थोड़ा अभ्यास से आएगी। धैर्य, ये बहुत बड़ी चीज़ है। धैर्य अगर रहा तो भी तनाव नहीं रहेगा, परंतु धैर्य रहे इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आती है, ऐसा विपरीत समय आता है जब आदमी को बहुत प्रयास करना पड़ता है धैर्य रखने के लिए, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। एक बार मैं घटना सुनाना चाहता हूँ आपको। मैं 2 बार विधायक रहा, 3री बार मुझे किसी भी कारण से टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिला ये तो ठीक बात थी, मैंने कोशिश की कि अब मेरा परीक्षा का समय है, जो मैं इतनी बातें लोगों को बोलता हूँ कि धैर्य रखो, अब मेरी परीक्षा होना है, मैं धैर्य रख पाता हूँ कि नहीं। टिकट जिसको मिला था वो मेरा घोर विरोधी था, वो टिकट ले आया था, टिकट मिल गया उससे। उससे लोगों ने कहा कि अगर तुम्हें फॉर्म भरने जाना हो तो पहले उन शर्मा जी को ले जाना साथ में। अरे उन्होंने कहा यार ये तो बहुत कठिन काम है, उनको टिकट मिला नहीं, उनका टिकट कटा है,
और उनके टिकट की जगह मुझे टिकट मिला है जो मैं उनका खुले में विरोधी हूँ, तो बड़ा मुश्किल काम है। पंत उससे कहा नहीं नहीं ले जाओ तो तुम्हारे फायदे का होगा, तुम्हें जीतना हो तो वो मेरे घर आया। मुझे पता लग गया 10-15 मिनट पहले कि मेरे घर आने वाला है फॉर्म भरने के लिए। अब मैंने फिर सोचा मन में कि ये मेरी और कड़ी परीक्षा है धैर्य की। पंत आप विश्वास जानिए, आए मेरे साथ मेरे साथी राजगढ़ के, वो जानते हैं मैंने धैर्य की परीक्षा, मैंने कहा परीक्षा देना है अपने को, पास होना है। तो वो जब आया मेरे यहाँ तो मैंने स्वागत किया उसका कार्यकर्ताओं के साथ, उन्होंने कहा ये, उसको विश्वास ही नहीं था। उसने कहा कि 2-4-5 गाली मिलेगी, मुझे झिटकार के भगा देंगे और चलेंगे नहीं। मैंने कहा आइए आइए आइए, हमने उसका स्वागत किया, सम्मान किया, माला पहनाई। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मालवे में साफा बांधने का बड़ा सम्मान है, मैंने उसको साफा बांधा। उसने कहा भाई साहब एक बात और मेरा निवेदन मैंने कही है कि मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैंने कहा अरे यार तुमने मेरे मुँह की बात ले ली, मैं कहने वाला था यार मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा फॉर्म भरने। मेरे लिए आप सोच सकते हो बहुत तनाव का समय था, परंतु मैंने कोशिश की जो मैं आपको बता रहा हूँ कि धैर्य से कितना लाभ हो सकता है, मैं उसके साथ गया। उसके और बाकी जो लोग थे उन सब के लिए बहुत आश्चर्य का विषय था कि मैं उसके साथ गया, फॉर्म भरवाया, फॉर्म भी दिया। तो मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि दो बातें हैं उस वक्त भी, मैंने उस समय भी दो ही बातें अपने मन में रखी। एक तो जो कुछ हुआ है वो भगवान को समर्पित, दूसरा धैर्य की परीक्षा। और मैं भगवान की कृपा मानता हूँ कि मैं उस परीक्षा में पास हुआ। और धैर्य और भगवान को समर्पण, अच्छा बुरा जो भी हो, तो फिर हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं। और जो आज का विषय है, तनाव रोकने के लिए मन और बुद्धि की सच्चाई और पवित्रता, ये सब बातें अभ्यास से हमारे जीवन में आ जाएगी निश्चित रूप से। और मैंने अभ्यास से मेरे अपने जीवन में ये दोनों बातें आई, कितनी आई मैं नहीं जानता, परंतु मन और बुद्धि की पवित्रता और सच्चाई लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, यही कह सकता हूँ, प्रयास ही कर रहा हूँ। अभी तो आई कि नहीं आई पता नहीं, परंतु ये दो बातें जो मैंने अपने जीवन में अनुभूत की है, अनुभव की है, वो मैंने आपको शेयर की है। अगर आप भगवान के प्रति समर्पण और धैर्य ये दोनों रखेंगे तो आप शीर्ष पे निश्चित पहुंचेंगे और तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद। शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अनुभव भी सुनाया और इस विषय के बारे में थोड़ा दिशा भी हम सबको मिला है उनसे। अभी मैं दूसरा प्रश्न करने जाते हूँ XMP शिवाजी माने जी से, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ज़रा नहीं है, थोड़ा घुमा फिरा के। जो क्लियर माइंड और क्लियर इंटेलेक्ट, सच्चा मन और सच्चा बुद्धि, इसको हम लोग सच्चाई और सफाई करने के लिए स्पिरिचुअलिटी का कैसे लागू कर सकता है, स्पिरिचुअलिटी का कैसे प्रयोग एप्लीकेशन कर सकता है, जिससे हम लोग का माइंड और इंटेलेक्ट साफ रख सकते हैं हम लोग, इसके बारे में आपका थोड़ा सा विचार। बुद्धि और मन को स्वच्छ करने के लिए और तनाव मुक्त रहने के लिए मुझे लगता है 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। वो एक तो अनचाहे वस्तु ये है जो खरीदने की होड़ हम में लगी है, फिर चाहे वो एक बाइक हो, एक 4-व्हीलर हो, दूसरी लेना, फिर उसमें कर्जा हो जाता है, दूसरा घर बनाओ, ये बनाओ। मुझे लगता है थोड़ा सा ये चीज़ें अगर हम टाल देंगे तो, और स्ट्रेस जो आता है आदमी को, मनुष्य को, वो पैसे से ही आता है, उसका मुख्य कारण स्ट्रेस का पैसा, और दूसरा कारण मुझे नहीं लगता कि एक हाथ दुखा कारण होगा जो संतान नहीं होना या ऐसा, ये दो ही कारण मुझे लगते हैं। और स्ट्रेस को अगर भगाना है तो ज़िंदगी में आपको अच्छे दोस्त भी चाहिए, मन को और बुद्धि को अगर स्वच्छ रखना है तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हमको करना पड़ेगी, क्योंकि हम तंदुरुस्त रहे
तो स्ट्रेस बिल्कुल हम पे नहीं आएगा। ये तीन चार बातों का ख्याल अगर हमने रखा, मुझे आपकी एक बात यहाँ पे आने के बाद बहुत बड़ी अच्छी लगी कि आपकी जितनी भी भाई है बहन है ये सादगीपूर्ण जीवन जगते हैं, इसका हम सब ने अनुकरण हमारी ज़िंदगी में अगर किया तो मुझे लगता है ये हमारे लिए बड़ी बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनायक जी। रघुनंदन जी ने हमें दो बातें बताई, एक तो भगवान पर विश्वास और दूसरा पेशेंस, धैर्यता। बहुत अच्छा लगा। और उसमें एडिशन किया हमारे शिवाजी भाई माने ने कि हमें भौतिकवाद से दूर रहना है। हाँ, मना दूर रहने का मतलब ये नहीं कि चीज़ों का इस्तेमाल हम ना करें, करना है, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं है। बहुत अच्छी लगी आपकी बातें, परंतु मैं फिर से एक बार रघुनंदन जी से सवाल पूछना चाहती हूँ। आजकल बहुत सारे भगवान दुनिया में घूम रहे हैं और अपने आप को भगवान कहलाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में, तो कौन से भगवान पर विश्वास करना है जो आपने कहा भगवान पर विश्वास करना है? मेरा भगवानों से आशय उन तथाकथित भगवानों से बिल्कुल नहीं था। ये भगवान हैं भी नहीं और मैं मानता भी नहीं हूँ और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोलना आवश्यक भी नहीं है। मेरा कतई इन भगवानों से आशय नहीं था। मेरा भगवान से उसी भगवान से आशय था जो निराकार भगवान है, एक शक्ति है, कोई ना कोई पावर है, उस पावर की बात मैं कर रहा था, उसके प्रति समर्पण की बात कर रहा था। मैं किसी स्थानीय लोकल भगवान की बात नहीं कर रहा था जो आजकल के भगवान चल रहे हैं, इन भगवानों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं उस निराकार भगवान की बात कर रहा हूँ, इस गॉड की बात कर रहा हूँ। फिर वो आप चाहे उसे कुछ भी कहें, आप अल्लाह कहें, आप भगवान कहें, उनका नाम दे दें, परंतु उन भगवानों की बात कर रहा था। फिर मैंने अपने बोलने के बीच में एक बात और कही थी कि आप भगवान होगा कि नहीं होगा, भगवान है कि नहीं, इसको छोड़िए, परंतु भगवान के होने में मेरा फायदा है, मैं तनाव मुक्त रहूँगा, इसलिए भगवान पर विश्वास कर लीजिए। तो फिर वो निराकार भगवान की बात कर रहा था मैं। इस सारे बीच में मैं सारे वक्तव्य में एक बात भूल गया था, वो बात कहना बहुत आवश्यक है। ये भगवान को समर्पण और धैर्य, इन दोनों बातों के लिए मैं आपके यहाँ बैठा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ। ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जब व्यक्ति जाता है तो इन दोनों बातों का मैंने अभ्यास करने की बात आपसे कही है, वहाँ आपका अभ्यास हो जाएगा। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में तो बहुत सारी आपाधापी रहती है, बहुत हमारी भी व्यवस्था रहती है, जैसे भाई साहब ने बताया नेतागिरी में बहुत सारी व्यवस्था रहती है, परंतु वहाँ जाके अगर एक घंटा बैठेंगे शांति के साथ, मन लगाएंगे, योग करेंगे, योग का अर्थ सुबह हम सब लोगों ने सुना, जोड़, और सारी बातें सुनी हमने, इन सारी बातों से ये तनाव से मुक्ति का रास्ता जो है, तनाव से मुक्ति का तरीका जो है, ये तरीका हम वहाँ सीख सकते हैं। और मैं तो चूंकि ये बात सही है कि मैं वहाँ नियमित नहीं जाता हूँ, बहन बैठी हमारी मधु दीदी, नियमित नहीं जाता हूँ, परंतु मुझे साल में 4-5-6 बार वो आमंत्रण देती है, बुलाती हैं, तब बिना चूके मतलब जाता ही हूँ निश्चित रूप से, और वहाँ मुझे ये फ़ायदा मिलता है, मैं कई बार वहाँ भी बोलता हूँ। तो ये दोनों बातें हैं। तो मेरा आशय बिल्कुल उन भगवानों से नहीं था, मेरा निराकार भगवान से ही था। हमारा आशय भी आपसे पूछने का यही था कि लोगों में ये बात क्लियर हो कि आपने कौन से भगवान की बात की। बहुत अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं। विनायक जी हमारे साथ हैं। हाँ जी, आपसे भी हम इसी संदर्भ में बात सुनना चाहेंगे, आपके जीवन के अनुभव से। जितना भी आपने आध्यात्मिकता को समझा है, क्योंकि लोग आध्यात्मिकता को धर्म के साथ भी जोड़ते हैं और धर्म के नाम पर आध्यात्मिकता को तोड़ मरोड़ कर अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो आध्यात्मिकता को आपने किस तरह से समझा है और अपने मन और बुद्धि को स्वच्छ और निर्मल रखने के लिए आध्यात्मिकता को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं और आप खुद अपने आप को स्ट्रेस से कैसे बचा के रखते हैं? विनायक जी,
ओम शांति। मैं प्रजापति ब्रह्मा कुमारी से 15 साल से जुड़ा हुआ और हर साल यहाँ पे 4 दिन तो आता ही हूँ। हमारे बोपुड़ी की बहन जी सुनीता बहन जी है, सुनील भाई जी है, और ये 4 दिन यहाँ पे आके निकलना और रिफ्रेश होके वापस काम को लग जाना, एक आने की एक ओढ़, यहाँ पे आने की एक ओढ़ हमेशा मन में रहती है, नहीं इधर जाना है, बाबा को मिलना है, एक थोड़ा इंस्पिरेशन लेना है। और ये इंस्पिरेशन जो मिलता है यहाँ पे आने के बाद, मैं एक्चुअली उषा बहन जी का बहुत फैन हूँ। अपने किसी ने अगर उषा बहन जी का लेक्चर सुना रहेगा, मेरे ज़िंदगी में जो भी बदलाव जैसे जैसे आते गए, वो बदलाव में उषा बहन जी का लेक्चर सुन सुनते मैंने मेरे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके यहाँ पे अपनाए हुए। इसलिए मेरे ज़िंदगी में जो भी प्रोग्रेस हुई है वो ब्रह्मा कुमारी की वजह से हुई, ऐसा मैं खुद मानता हूँ। यहाँ से कल से मैं ये राजकीय व्यक्ति के सामने जो भी लेक्चर यहाँ पे चालू है मैं सुन रहा हूँ। कल एक बहन जी थी व्यासपीठ के ऊपर, उन्होंने राजकीय व्यक्ति को ये राजकीय उनका प्रोफेशन करके कहा, पाटिल साहब व्यवसाय, ये राजनीति हमारा प्रोफेशन बिल्कुल नहीं है। ये पहली बात, क्यों लोगों के मन में ऐसा होता है, हम प्रोफेशन के लिए बिजनेस करने के लिए कुछ पैसा कमाने के लिए राजनीति में आते हैं, ऐसा किसी को यहाँ पे सब राजनीति में काम करने वाले लोग यहाँ पे है क्या प्रोफेशन समझ के अपन काम करते कभी? मैं सबको मेरे पूछना है, हम एक सेवाभावी वृत्ति से यहाँ पे काम करते हैं। जो भी राजनीति में काम करता है, मैं बचपन से एक गणेश मंडल का अध्यक्ष, मेरे गांव में छोटे से मंडल का अध्यक्ष था, वहाँ से सामाजिक काम की रुचि पैदा हो गई। वो सामाजिक काम की रुचि पैदा होते हुए लोगों में काम करने लगा और धीरे धीरे ये सामाजिक काम मेरा बढ़ता गया, और उस तरह से सामाजिक काम बढ़ने के कारण लोगों ने हमको चुन के दिया। लोग इतने तो बेवकूफ़ नहीं है किसी को चुन के देने के लिए। जो अच्छा समाज में काम करता है, जो उसको अच्छा लगता है, उसको ही लोग चुन के देते हैं। परंतु राजनीति को प्रोफेशन करके हमेशा जो टोका जाता है, सब राजकीय व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, जो काम करते कुछ खाली पैसे के लिए काम करते हैं, लोगों का काम कुछ करते नहीं है, इस तरह का सोच पूरे हिंदुस्तान में बराबर ना सब एक तैयार हो गया है। मुझे लगता है ये भ्रष्टाचारी सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट है, नौकरशाही है क्या राजकीय व्यक्ति है, ये आज बहस की बात होगी यहाँ पे। आज मन और बुद्धि की सफाई की बात यहाँ पे चली हुई है। मैं तो हमेशा मानता हूँ जिस सामाजिक कार्यकर्ता की मन और बुद्धि साफ है वही लोगों के साथ काम कर सकता है, लोगों का दुख उसकी समस्या में उसको हाथ दिलाने में आगे आ सकता है। अगर उसकी मन और बुद्धि साफ नहीं रहेंगी तो कोई स्वार्थ रहेगा तो जनसेवा में कभी आगे नहीं जाएगा, वो राजकीय व्यक्ति कभी कहलागा भी नहीं, कभी चुन के भी नहीं आएगा। जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजकीय कार्यकर्ता है, उसकी मन बुद्धि साफ होती है। हमारी मन बुद्धि साफ है, हम लोगों को उसकी समस्या में रात दिन, जब रात को 12 बजे भी कोई बुलाएगा उसकी समस्या है तो वहाँ का सामाजिक राजकीय कार्यकर्ता भाग के उसके घर में जाके उसको मदद करता है। वो सोचता नहीं है कि अब रात को 12 बजे बुलाया, मैं मेरे बीवी को घर को सब छोड़ के कैसे भाग के जाऊँ, कैसे उसके मदद करूँ, फिर भी वो मदद करता है। ये सब मदद उसकी मानसिकता, उसकी मन की बुद्धि की सरलता सफाई है, इसलिए वो करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान में यहाँ पे आध्यात्मिक का बहुत चर्चा होती है। मुझे आध्यात्मिक ये शब्द जब अपन लोग लेते हैं तो कोई तो अपने दिमाग के ऊपर का शब्द है ऐसा लगता है, वो अपना काम ही नहीं। वैसे जब ब्रह्मा कुमारीज
की तरफ जब वाइट ड्रेस पहने हुए सब भाई बहन देखते, चलो ये तो काम अपना नहीं है, ये अलग ही है लोग, ये सब समर्पित है, और ये ऐसे लोग, ऐसे लोगों से संबंध कैसे रखा जाएगा, उतना डिवोशन या हम काम कर सकते का, ऐसा थोड़ा सा मन में एक ब्रह्मा कुमारी को देख के मन में आता है। लेकिन जिस तरह आपके ब्रह्मा कुमारी भाई बहन समाज में काम कर रहे, उस मन बुद्धि के सफाई से ही हमारे राजनीतिक जो भी भाई बहन हैं वो उस तरह से समाज में काम करते, ऐसा मैं खुद मान के मानता हूँ। उतनी साफ सफाई, आज एखादे सोसाइटी में काम करने वाला छोटा सा कार्यकर्ता और किसी के घर में कुछ कल संकट आए, वो कार्यकर्ता अपने घर का दुख छोड़ के उसको मदद करने के लिए भागता है, वो सोचता नहीं है। आज मैंने 30 साल से मैं राजनीति में हूँ, 30 साल से मैंने देखा है हम हजारों लोगों को नोटबुक देते हैं, बुक्स देते हैं, दवाई देते हैं, जो जो मदद हम कर सकते हैं मदद कर सकते हैं, लेकिन हमको तनाव जो आता है इतना सब समाज में काम करने के बाद हम अच्छा समय हमारा हमारे घर में नहीं देते, एक्चुअली फैक्ट है। समाज में काम करते समाज ने उसको नोटबुक मिली क्या नहीं, उसको पुस्तक मिला क्या नहीं, लेकिन मेरे बच्चे ने पढ़ाई की क्या नहीं उसको पूछने के लिए भी हमको टाइम नहीं होता, इतना हम समाज सेवा में बह जाते हैं। यानी बह जाने का किधर ना किधर सोचना चाहिए, ऐसे मन बुद्धि से काम करना चाहिए, इसलिए ब्रह्मा कुमारी में आते, क्योंकि समाज में काम करने के टाइम अपना परिवार का भी हम सब लोग ने देखना चाहिए, सोचना चाहिए, ऐसा मैं यहाँ पे मानता हूँ। आप बोलती है भगवान भगवान, भाई साहब ने बोला हमारे महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज थे, उनका एक अभंग है, जेका रंजले गांजले त्यासे मनुज आपुले तेतेसी देव जानावा। मैं समाज में जो दुखी है कष्टी है जिनको आपने मदद की जरूरत है, और वो दुखी कष्टी लोगों को जो मदद करता है वही समाज सेवा है, वही देव की भगवान की पूजा है, ऐसा हमारे संतों ने कहा है, और वही विश्वास के ऊपर हम सब सामाजिक काम करने वाले लोग यहाँ पे समाज सेवा करते हैं, ऐसा मैं खुद मानता हूँ। ये ब्रह्मा कुमारी में 15 साल से जुड़ा हुआ है, और मन और बुद्धि आत्मा परमात्मा ये जो सब शब्द है, ये शब्द यहाँ आने के बाद मालूम पड़ गए भाई इनका अर्थ क्या है। जब हम बाहर से देखते मन बुद्धि आत्मा परमात्मा, यह अपने काम का बात नहीं, ये अपने ऊपर का बात है, लेकिन जब यहाँ पे आके सुनते हैं बाबा ये मन बुद्धि का जो ये है, दो अपने घोड़े हैं उनको लगाम में कैसा लेना चाहिए, कितना मन का आइकना चाहिए, कितना बुद्धि का सुनना चाहिए, ये मन बुद्धि को चलाने का, ये शरीर का मालिक मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये मेरे मन बुद्धि को मेरे को चाहे वैसा मुड़ा सकता हूँ, ये ताकत ये ब्रह्मा कुमारी के आने की वजह से हमारे मन में उत्पन्न होती है, और ये ताकत लेके हम समाज में काम करते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। इतना थोड़ा ज़्यादा बोल गया इसलिए थोड़ा आभारी हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद विनायक जी, बहुत सुंदर बात कही आपने। राजनीति को पेशा कहा जाता है, इसीलिए लोग समझते भी है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि राजनीतिक पेशे में हैं हम, तो उस पेशा माना उसे कमाना है, धन कमाना है, नाम कमाना है, इज्जत कमानी है, शौहरत कमानी है, परंतु फिर उसका जो सार है सेवा उसको वो भूल जाते हैं। राजनीति में आने का पर्पज़ ही होता है फाउंडेशन में, वो है जन सामान्य की सेवा। जैसे एक डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट अटेंड करने के बाद उसके अंदर से वो ये दया भाव जो होता है ना पेशेंट के प्रति, कंपैशन जिसको कहा जाता है, वो कहीं कहीं ख़त्म होने लगता है और वो प्रोफेशनल बन जाता है, और इंसान की जो कोमल भावनाएं हैं उसकी कहीं सूख जाती है। उसी तरह एक राजनेता भी बहुत सालों तक अपने क्षेत्र में काम करने के बाद उसके अंदर का वो दया भाव, करुणा, लोगों के लिए जो तड़प है वो कहीं सूख सकती है, कम हो सकती है, परंतु ऐसा हमारे मंचासीन सभी वक्ताओं के वक्तव्य से हमने महसूस किया
कि चाहे जितने भी साल इन्होंने राजनीति में बिताए हैं, परंतु जिस लक्ष्य को लेकर आए थे वो राजनीति में, सेवा भाव के, वो सेवा भाव इन सभी ने अभी तक भी बनाए रखा है और हम आशा करते हैं कि आगे भी ये सेवा भाव आप ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, विषय बहुत सुंदर मोड़ ले रहा है। हम मन बुद्धि की स्वच्छता और स्पष्टता की बातें समझ रहे हैं और तनाव को भी अपने जीवन में कैसे रोकना है, उसको आने ही नहीं देना है, और आ जाए अगर तो उसे कैसे हैंडल करना है, इस बात पर भी हम थोड़ा थोड़ा अब अच्छी तरह से परिचित होते जा रहे हैं। तो अब मंच के बाद नंबर आता है आप सभी का। तो आप सभी के भी मन में इनकी बातें सुनकर कोई सवाल अगर उठ रहे हो तो हम आमंत्रित करते हैं, ऐसे कुछ सवाल आप जो इनसे पूछना चाहते हैं, कोई पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है किसी के मन में जो विषय चल रहा है उससे संदर्भ में। हाँ जी प्लीज माइक दे दीजिए उनको। क्योंकि मैं भी राजनीतिक क्षेत्र से हूं और अभी निगम पार्षद चुना गया हूं, तो ज़्यादा जनता के बीच में काम करने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि आप अपने मन और इच्छा से सेवा के काम से आप लगे हैं पब्लिक की सेवा करने, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका उन्होंने आपके अपोजिट उल्टा चलना ही है, तो आप चाहे अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो ऐसे लोग आके बहुत कुछ आपके लिए बोलते हैं या पब्लिकली बोलते हैं, तो तब अपने आप को कैसे उन सारी चीज़ों से बचाकर अपने आप को काम में लगाना, वो भी मुझे थोड़ा सा उस पर भी आप लोग प्रकाश डालें। मैं ऐसा समझता हूँ, तनावपूर्ण जीवन अपने इसमें है, ऐसे कुछ अपोजिशन जब आते हैं सामने तो स्ट्रेस बढ़ता है। पॉलिटिशियन या जो भी समाज सेवा के माध्यम में काम करता है वो अगर खुद तनाव में रहेगा दूसरे का तनाव वो रिलीज नहीं कर सकता, और पॉलिटिशियन वही है जो अपना तनाव दूसरों को दे दे। खुद तनाव लेने का नहीं। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही, आपका कहना था कि जितने भी लोक प्रतिनिधि है अभी हमारे यहाँ के, उनके प्रति जनता को घृणा हो गई है, ऐसा आपको कहना था, और ये बात सही भी है। उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, हम लोग जिम्मेदार है उसके लिए, हमारा रहन सहन, बैठना उठना, लोगों के प्रति जो भी उनकी अपेक्षाएं होती है वो हम पूरी नहीं कर पाते, इसलिए उनके मन में घृणा हो रही है। और मुझे लगता है अभी अभी एक चेंज जो इंडियन पॉलिटिक्स में आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा से ज़्यादा एक आने वाले 5 या 10 साल में इसको सब पूरा क्लीन हो जाएगा, ऐसी मेरी धारणा है। भाई साहब का सवाल ये था कि अभी वो उनकी शुरुआत है पॉलिटिक्स में, है ना, और शुरुआत में बहुत उमंग उत्साह होता है, बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, लेकिन शुरुआत में ये पता नहीं होता है कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी गालियाँ देने वाले लोग आएंगे सामने। नहीं नहीं बात सच है बहन जी, अभी ये जो सुखबीर सिंह जी है, जब वो गवर्नमेंट के ऑफिसर थे और खाली एक को उन्होंने उसकी कॉपी अटेस्ट की तो वो आदमी उसके पैर छुआ, और जब पॉलिटिशियन बन गया वो आदमी पत्थर लेके उसके ऊपर आ गए। देखो फर्क इतना ही है, जब सामाजिक काम करना है तो निंदा नालस्ती करने वाले लोग समाज में रहने ही वाले हैं, और हमारे मराठी में बोलते हैं आपन टेंशन घ्यायचं नाही दुसऱ्याला टेंशन द्यायचं, देने का तो दूर होता है टेंशन। काम करने टाइम हर दिन कोई ना कोई तो अपने को रोकने वाला आने वाला है, और जो रोकने वाला आने वाला एक्सेप्ट करने का, एक्सेप्ट इट, और उसके आगे अपने को क्या आगे अच्छा कर सकते हैं। एक मन में जो भी है भी मन और बुद्धि में सरल भावना है तो मेरे ख्याल में कोई कितना भी आगे आए, कोई कितना भी अपने आगे कुछ भी डाले अपने को रोक नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। और कोई सवाल पूछना चाहता है प्लीज़ आइए, जल्दी आइए, दूसरा तैयार रहे। हाँ इनके बाद आप।
शांति, ओम शांति बंधुवर। मैं माननीय नेताजी ये जानना चाहता हूँ कि अधिकतम नेतागण गरीब की लड़ाई लड़ते लड़ते अमीर कैसे बन जाते हैं। नहीं, एक अच्छा सवाल है। लोगों के मन में जो विचार है, यही विचार सबसे पॉलिटिशियन के बारे में लोग बोलते हैं। बहन जी, मैं बहुत स्टडी किया हूँ, मैं 30 साल से पॉलिटिक्स में हूँ और ये भी मेरे साथ महाराष्ट्र में काम करते हैं। हमारे महाराष्ट्र विधानसभा में ये 18वीं विधानसभा है। पाटिल साहब, 18वीं विधानसभा में बोलो 288 में हमारे यहाँ MLAs है। 288 × 18 बोल तो करीबन 5000 MLAs आज तक हुएंगे। उसमें के 2500 MLAs जो अभी यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये पृथ्वी तल के ऊपर 2500 रहेंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक मुझे ऐसा पॉलिटिशियन दिखाई जो भी यहाँ पे बैठे हुए। देखो, मैं भी बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं काम धंधा करता हूँ, मेरे 2-4 अच्छे बिजनेस है, मैं अच्छा पैसा कमाता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं मैं पॉलिटिक्स के लेके किसको लुबाड़ के किससे ये करके मैं पैसा कमा रहा हूँ। अगर मैं वैसा होता था तो लोग मुझे बार बार चुन के नहीं देते थे। अगर मैं बुरी तरह से बुरी नीति से काले काम से मैं अगर पैसा कमाता था तो लोग बार बार मुझे चुन के नहीं देते थे। एंड पॉलिटिशियन हमारे महाराष्ट्र की, आपको मैं बोलता हूँ, अगर पूरे हिंदुस्तान की सामाजिक काम राजकीय काम करने का जो कार्यकर्ता है वो आज भी खुद के जेब में पैसा डाल के काम करता है। आप कभी भी अपने ग्राम पंचायत से लेके MP तक, माने खासदारांपर्यंत बा, खासदार तक देखिए उसकी आर्थिक परिस्थिति। वो बेचारा इतना सामाजिक काम में काम करता है, घर बेच देता है, जमीन बेचता है, फिर भी राजकीय काम करता है। ऐसे बहुत पॉलिटिशियन है। आप गुने चुने लोगों के ऊपर जिसके ऊपर इंतजिल्जाम है, वो बड़े बड़े 1 लाख कोटी 2 लाख कोटी लालू सिंह का चारा घोटाला, ये जो है वो घोटाले खाली ऊपर होते हैं। नीचे काम करने वाला कार्यकर्ता हाँ खुद के जेब में पैसा खर्चा करके काम करता, ऐसा मानने वाला मैं कार्यकर्ता हूँ। और जो भी बिजनेसेस है, अब नीचे पॉलिटिक्स में देखिए जो भी कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं उन्होंने बोलना चाहिए कि अरे हम हमारे घर का हमारा टाइम देते हैं, पैसा देते हैं, हम सब कुछ समाज के लिए देते हैं, फिर भी समाज हमको बुरा कहता है। ये क्योंकि इसकी वजह एक ही है बहन जी, हमारे इंडियन सिनेमा में पॉलिटिशियन और पुलिस ये दो चीज़ें बहुत बुरी दिखाई जाती है और उसका इफेक्ट लोगों के ऊपर होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो धन्यवाद, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और बताना चाहता हूँ मैं, चलिए मैं बता रहा हूँ। मैं पहले प्रश्न था उसका भी उत्तर इसमें समाहित है, अभी जो प्रश्न किया उस वो भी उसका उत्तर तो है ही। ये बात सही है, प्रश्न बहुत शानदार किया उनने कि गरीबों की सेवा करते करते अमीर कैसे बन जाते हैं नेता, प्रश्न ये था। तो मेरा कहना ऐसा है कि जब आदमी राजनीति में काम करना शुरू करता है तो या तो उसे पता ही नहीं होता है कि मैं राजनीति में काम क्यों कर रहा हूँ, राजनीति में मैं सेवा करने आया हूँ, या तो उसकी अगर उसको याद होती है तो विस्मृत हो जाती है, या फिर उसको याद ही नहीं होती कि मैं क्यों आया हूँ राजनीति में। अगर ये बात का स्मरण अगर हमेशा रहेगा कि मैं राजनीति में क्यों आया हूँ, राजनीति में सेवा करने आया हूँ, ये स्मरण अगर रहा उसे तो फिर वो नहीं हो पाएगा अमीर। एक बात। दूसरी बात, मैं और इस परिप्रेक्ष्य में जाना चाहता हूँ कि कई बार वो ये देखता है कि जो राजनीति के माध्यम से गरीबों की सेवा करते करते अमीर हो गए हैं वो स्थापित नेता हो जाते हैं, और स्थापित नेता ही नहीं हो जाते हैं तो जनता भी उनको चुनती रहती है, इसलिए जनता भी थोड़ी थोड़ी दोषी है इसमें कि ऐसे लोगों को दंड दीजिए ना, दंड मिलता नहीं है और वो बार बार चुना जाता है वो अमीर जो गरीब से अमीर बन गया है। ये बात तो भूल जाता है कि राजनीति में क्यों आया हूँ, तो इस बात का स्मरण हमेशा होना चाहिए कि मैं राजनीति में क्यों आया हूँ। इसलिए मेरा कहना एक और है मंचासीन लोगों से भी कि राजनीतिक लोगों का भी ऐसा रिफ्रेशर कोर्स होते रहना चाहिए कि उन्हें ये याद दिलाते रहें कि आप राजनीति में हो क्यों। ये जब स्मरण रहेगा तो फिर वो वाली बात शायद कम होगी, वो जनता भी दंड दे। रघुनंदन जी, मेरा एक सवाल आपसे ही है, अगर मैं राजनीति में हूँ, मैं गरीब हूँ,
मैं गरीबी रहना चाहिए क्या? मुझे अमीर नहीं बनना है? मैं मेरा काम धंधा करके, मैं समाज सेवा करते करते, मेरा काम धंधा करते मैं अमीर नहीं बन सकता? ऐसा किसने लिखा है कि राजनीति वाला काम करने वाला आदमी गरीबी होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। राजनीति में काम करने वाला आदमी अच्छा काम करके धन कमा सकता है और समाज में अच्छा नाम वो निकाल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। उसी के संबंध में क्वेश्चन है, उसी के संबंध में ये ऐसा ही है जी। आपने जो क्वेश्चन किया, इन्होंने क्वेश्चन किया था भी गरीब की सेवा करते करते अमीर कैसे बन जाता है, तो हमारे सामने ये होता है। मैं 25 साल से इलेक्शन करवाता रहा हूँ, अब मैं इसी पॉलिटिक्स में आने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी मैं आया नहीं, रिटायर्ड हुआ हूँ गवर्नमेंट से, तो मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको, इसीलिए पैसे की खातर मैं यहीं इसीलिए आया हूँ मैं इस आश्रम में। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे सामने कैंडिडेट दो है या तीन है, आप तीन बैठी हैं, तीनों ने हमारे वोट डालना है, तो बार बार आप चुने जाओगे? जब नोटा बीच में डाला जाता है तो नोटा का एक्सेस क्यों नहीं काउंट किया जाता? भी नोटा को ज़्यादा वोट डल गए हैं तो कैंसिल होने चाहिए तीनों, ये आप और रेस क्यों नहीं करते? क्वेश्चन बात नहीं समझे आप मेरा बात। नोटा जब डाला जाता है, नोटा तो बोले नोटा तो के हमारे तीन लायक ही नहीं है, आप तीनों में जीतोगे? आप नोटा को जो भी मर्जी वोट डल जाए, आपको मेरी बात, हमारी डेमोक्रेसी लोकशाही मार्ग है हमारा, तो गलत है ना फिर? ना गलत ऐसा नहीं होता, आपको तीन में से एक तो चुनना ही पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, तो जो कम से कम बोल रहा है उसको चुनना पड़ेगा। अभी एक मिनट मैं लेना चाहूंगा। देखिए, अगर नोटा सबसे ज्यादा होगा तभी तो कैंसिल होगा चुनाव। एक मिनट, आपने कह लिया, मैं कुछ कह रहा हूँ। देखिए, आप 25 साल के बाद राजनीति में आना चाहते हैं, अच्छी बात है। मैं 1967 से एक पोलिंग बूथ का पोलिंग एजेंट था। आज मैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिले का अध्यक्ष हूँ। मैं अभी तक ये जो सुन रहा हूँ, यहाँ एक चीज़ मिसिंग लग रही है। हमारे संदीप कपूर जी हैं, अभी निगम पार्षद हैं, मंडल अध्यक्ष रहे हैं, इनकी चिंता ये है कि अभी जब नया नया कोई व्यक्ति चुना जाता है उसमें एक बहुत जज्बा होता है समाज का काम करने का, और फिर धीरे धीरे उसके बाद वो कम क्यों हो जाता है, ऐसी बात हुई थी। इसका मैं एक लाइन में उत्तर देता हूँ। जो राजनीति करने वाला व्यक्ति अध्यात्मवाद से जुड़ा रहेगा उसका ओरा कभी कम नहीं होगा। धन्यवाद भाई जी। एक बार 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 ये बात आई थी, हमारी राजनीति में आती है, धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए। हम कहते हैं धर्म नहीं है तो राजनीति क्या करोगे? अधर्मिक व्यक्ति राजनीति क्या करेगा? जिसको ईश्वर का डर ही नहीं है, जिसको गरीब की तड़प की कीमत ही नहीं है, वो राजनीति क्या करेगा? मैं भाई साहब से सहमत हूँ, बिल्कुल। धन्यवाद। सामने वाला एक मिनट और लूंगा, एक मिनट और लूंगा। देखिए, सामने वाला व्यक्ति दुखी है, जैसे आपने कहा ना, दूसरे को टेंशन देना, ये एक राजनीतिक भाषा है। लेकिन एक आम व्यक्ति जिसको ना कायदे का पता है ना कानून का पता है, उसे सिर्फ अपने कष्ट का पता है। कायदे कानून MLA को पता है, नेता को पता है। अब उसको, उस व्यक्ति को सेटिस्फाइड करना है, यही राजनीति है, वो संतुष्ट होके जाए। कई दफा सामने वाले के प्रश्न ही गलत होते हैं, वो हमसे गलत काम करवाना चाहता है। उसको हम ये अगर कहें कि तेरा ये काम गलत है तो बाहर जाके आपको 20 गालियां देगा। इसी सिचुएशन को ही तो हैंडल करना है। ये वही हैंडल कर पाएगा जिसके जीवन में अध्यात्मवाद होगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू, शुक्रिया। बताऊं अभी जो क्या नाम था भाई साहब आपका? मेरा नाम रमेश खन्ना है, मैं भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी जिले का अध्यक्ष हूँ। मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोई बात चल रही थी, मैंने किसी को बताया, ब्यूरोक्रेट से हम कोई काम लेके जाते हैं तो 10 चेकलिस्ट लगा देते हैं। मैंने कहा राजनेता के पास वही आदमी आएगा जो बहुत दुखी होगा। अगर उसका सरलता से काम होता तो वो क्यों किसी के पास आता है?
हमें उसी का दुख निवारण करने के लिए मैं रास्ता ढूंढना उसी में से। मैं आप लोगों के लिए एक बात जोड़ना चाहता हूं, अगर कोई कानून गरीब को दुखी करता है तो वो कानून बदल देना चाहिए। तो मैं वही तो मैंने बताया ना हमने, इसका जवाब मैं देता हूं। भाई साहब मुझे बताइए, हम तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे ही काम करेंगे, उसके बाहर कैसे जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ये अपनी तो आत्मा यहाँ पे है, मगर हमारी पॉलिटिशियन की आत्मा तो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाहर जाके तो हम नहीं कुछ कर सकते। जो कानून गरीबों को दुख देता है वो बदल देना चाहिए। कुछ चीजें होती है मर्यादा में रखे करनी पड़ती। अभी उन्होंने बताया था ना, अभी धर्म को और राजनीति को अलग अलग किया गया है। ये आज का कलयुग जिसको आज का संगम के नाम से जाना जाता है, भाई धर्म भी है और राजनेता भी है। पहले के हमारे 5000 साल पहले एक ही नेता के पास, जिसमें राम होते थे, वो धर्म का भी उन्हीं के पास होता था और राजनेता भी वही होते थे। वो न्याय करने से पहले धर्म को भी सोचते थे, अरे भाई कभी इसके साथ अन्याय ना हो। लेकिन आज की राजनीति धर्मगुरु दूसरा है, उसको लोग मिसयूज करते हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा कई जो धर्मगुरु बने हुए हैं, लोगों की बड़ा सोशल वर्कर है, उनको किसी भी पार्टी ने मतलब जो यूज़ करके और यूज एंड थ्रो का किया, आज उनका भुगतान ये पूरी दुनिया कर रही है। 40-40 आदमी मारे जा रहे हैं। तो यही एक है, राजनीति और धर्म जब अलग अलग ही हैं, धर्मगुरु कुछ कहता है उसको हम यूज़ करते हैं कुछ ड्रा के या कुछ भी करके, तो यही चीज़ें एक ही चीज़ होनी चाहिए। अभी भाई साहब ने बताया ना, राजनेता के पास धर्म का भी होना चाहिए, अगर उसके आत्मा होनी चाहिए। हाँ धर्म का वही होता है आध्यात्मिक, उसके पास आत्मा होनी चाहिए। आज कहते हैं ना, जब भी कोई कहता है आत्मा, इसकी आत्मा मर गई, वो कुछ देर के लिए आत्मा मर जाती है जब कोई गलत काम करता है, तो उसको ये कहते हैं इसकी आत्मा मर गई, तभी ये गलत काम कर रहा है। ठीक है आप। ओम शांति भाई जी, मैं नेपाल से आया हूँ। नेपाल में मेरा एक समुदाय है, मारवाड़ी समाज है। वहाँ का पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग बहुत कम पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ को सरकार को हम लोग 40% 1% से कम पॉपुलेशन है, लेकिन 40% से बेसी हम लोग वहाँ सरकार को इनका राशि देते हैं। मेरा समाज वास्तव में मारवाड़ी समाज एक आध्यात्मिक धार्मिक सहनशीलता ईमानदारिता समाज है। लोग हमको हर पार्टी पॉलिटिक्स में बुलाते हैं, लेकिन हम लोग जाने नहीं चाहते, नहीं जाते पॉलिटिक्स में। हम लोग उद्योग व्यवसाय में सीमित हो गए हैं। और आप लोग सलाह है, ये समाज को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए नहीं चाहिए? अभी भी हमको भी बहुत सफर आया। अब 4 महीने बाद में मेरा वहाँ सेंट्रल लेवल का चुनाव और स्थानीय चुनाव दोनों इलेक्शन है, हमको इस चुनाव में जाना चाहिए। हर पार्टी से हम लोग को 2-3, 3-3, 4-4 सीट को ऑफर आया हुआ है, एक तो ये सुझाव दीजिए। और आप लोग पॉलिटिशियन मेन लोग हैं, आप लोग हर जगह जाते हैं और आप लोग जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पे मान सम्मान होता है वहाँ पर आपको भोजन ग्रहण करना पड़ता है। एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा ही मन, आपको तो हर घर का खाना खाना पड़ता है, तो ये भोजन से मन का आपका कैसे परिवर्तन होगा, भोजन के बारे में थोड़ा जानिए। इसे मन में प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता, और मेरे समाज को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या नहीं चाहिए? ओम शांति। जी कौन जवाब देना चाहेगा? इन जैसे एक बिजनेसमैन को बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऑफर करते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आइए, पर ये डरते हैं कि पॉलिटिक्स में हम जाएंगे तो वही एक दलदल है, सभी को यही चित्र है। बिजनेसमैन है तो पॉलिटिक्स में मत आइए, धंधा बंद हो जाएगा आपका। बिजनेसमैन ने रहते हुए एक अच्छा काम करना, सामाजिक काम करना। देखिए हम राजनीति को इतनी खराब मानते हैं, राजनीति को और राजनेताओं को गाली भी देते रहते हैं, परंतु और ये अपेक्षा करते हैं कि राजनीति सुधरे, ये उम्मीद करते हैं कि राजनीति अच्छी हो। अगर आप चाहते हो कि राजनीति अच्छी हो तो फिर अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बांदा जिले से, चित्रकूट धाम मंडल बांदा। भाई जब राजनीति में जो है, क्योंकि जो राजनीति में जो लोग एक बार चले गए अंदर तो वो निकल नहीं पाते। राजनीतिक एक ऐसा दलदल है, क्योंकि हम लोग देखते हैं जो कभी सपा में रहे तो बसपा में आ गया, बसपा के बाद बीजेपी में आ गया, कभी साइकिल, इस तरह का। क्योंकि राजनीति में जो व्यक्ति एक बार घुस गया, मैं माइक ऑन करिए।
मैं इस समय अपने जिले में चौथी बार जिले में उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से, और माननीय अपने जिले के सांसद भैरव प्रसाद मिश्र जी का सांसद प्रतिनिधि भी हूँ। तो हम लोग क्षेत्र में रात दिन काम करते हैं। जैसे भाई साहब ने बताया कि मैं पहले नौकरी करता था, नौकरी में जब आप थे तो बहुत अच्छा था। वही लोग जो है, जो आप नेता बन जाते हैं तो वो लोग ये लगा लेते हैं कि ये विधायक बन गया, और चूँकि जब हम भाषण देते हैं तो कहते हैं कि भाई चिंता नहीं करना, हम ये करें, तो आपको बिल्कुल अपना सेवक मान लेता है कि विधायक माने बिल्कुल हमारा चेला। कोई भी थोड़ा सा काम पड़ा, विधायक जी ये हो गया हो गया, तो तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो जब लोग राजनीति में पहले पहले जब चलता है तो शुरू में तो बहुत अच्छे ढंग से काम करता है, उसको बड़ा मजा आता है, लेकिन 6 महीने के बाद जब इतनी ज़्यादा समस्या आ गई, कहीं इधर कहीं उधर कहीं, तो जब फंस जाता है तो वो फिर कहीं ना कहीं। थोड़ा हम समय का भी ध्यान रखेंगे, 4:45 बजने को है, और हमें उसके पहले हमारे बीच में हमारी बहन बैठे हैं मेडिटेशन करवाने के लिए, तो हम एक ही लास्ट प्रश्न ये सुनेंगे, उसके बाद कंक्लूड करेंगे, और आपका एक बस कार्ड मेरा है, मैं देता हूँ, अभी नहीं मेरे पास जेब में। नहीं भाई साहब, आपका क्वेश्चन समझ में आया, आपने जो आपकी अपेक्षा है राजनेता दल बदल क्यों करते हैं, और यही सवाल है ना आपका? हाँ, दल बदल मुझे बताओ, अब किसी पार्टी के पास कोई नेता ही नहीं है तो क्या आप उस पार्टी में रहोगे? अरे हम तो किसान हैं पैसे से, मुझे बताओ। आप आ जाइए इनके। हाँ, आपका प्रश्न उन्होंने समझ लिया। ये माइक ले, ये आएगा क्या, क्योंकि रोकना पड़ेगा कहीं। मेरा मतलब यह है कि जीवन में केवल संगत का खेल है। जैसे आप हम सब लोग आज यहाँ बैठे, मैं आभारी हूँ इसे शांति उसका, ओम शांति का, क्योंकि हम लोग भी कभी हमारे जो मसूरिया जी थे हमको बताया कि यार वहाँ चलना है, तो हम लोग यहाँ आए। और जब अगर इस तरह सभी जो राजनीतिक चाहे किसी भी दल का होकर बैठते जाए, आपस में वार्ता होती जाए, और उसके मन में ज़रूर बना रहे कि मैं सेवक के बाद मुझे कुछ ना कुछ काम करना है जनता का, और जब व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल समझ लेता है कि मैं तो 5 साल के लिए राजा बन गया, वहीं गड़बड़ हो जाता है, तो ऐसा कुछ ऐसा कोई नहीं समझ। ये तो आपकी गलत फहमी है। मैं जब से बोलने की कोशिश कर रही हूँ इतना विषय बदल गया कि मेरा सवाल ही लगता है कि उलट पुलट हो गया। 50% आरक्षण तो है आपको? नहीं नहीं, मैं आरक्षण की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जैसा कि यहाँ पर बता रहे थे, जो प्रश्न आ रहे थे और आपके जो जवाब आ रहे थे उससे मेरे मन में प्रश्न आ रहा था। जैसा कि किसी ने हमारे जब यहाँ मौजूद हैं तो ज़रूर वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद उन्होंने ये प्रश्न किया कि गरीब की सेवा करते करते कोई अमीर कैसे बन जाता, यानी उनके मन में प्रश्न चिन्ह फिर भी वो राजनीति में आ रहे हैं। वो दूसरी बात, हमारे भाई साहब ने कहा कि जो पॉलिटिशियन है वो अमीर नहीं हो सकता, यहाँ भी मैं मेरे मन में एक प्रश्न चिन्ह हुआ, मेरी भावना है सेवा करने की, मेरे पति की नहीं हो सकती, मेरे बच्चों की नहीं, वो व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में है उसके पूरे परिवार को कितनी कठिनाई होती है वो शायद मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि जब मैं पॉलिटिक्स करती हूँ तो मेरे पति को सोचना पड़ता है कि वो किस प्रकार काम करे, उनका कितना सहयोग है ये मैं समझ सकती हूँ, मेरे बच्चे को हर कदम पर चलने में सोचना पड़ता है कि कोई ऐसा छोटा सा भी काम ना हो कि लोग ये कहें कि सीमा शर्मा के बेटे ने ये किया। किसी आम आदमी के बेटे के साथ कभी ऐसा प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है, वो अपने जीवन को बहुत ही सुखद तरीके से जीता है, पर एक पॉलिटिशियन जो एक राजनीतिज्ञ है वो अपना सारा जीवन समर्पित करता है, लोगों की सेवा करता है। मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, मैं स्पष्ट बता दूँ, मेरे राजनीति, चूँकि मेरे घर में भी ये भावना थी कि जो लोग पॉलिटिक्स में, ये प्रश्न ही है, उत्तर भी है, हम जानते हाँ, हम संतुष्ट हो रहे हैं आपके प्रश्न और उत्तर दोनों से। मेरे जब मेरे घर में ये विचार था कि अच्छे घर की बेटी या अच्छे घर के लोग पॉलिटिशियन नहीं होते, तो मैं जब पॉलिटिक्स की तरफ, लोगों ने मुझे बार बार कहा, और मेरा आना भी एक इत्तेफाक था, क्योंकि मैं मेरे अंदर एक भावना थी, जब कहीं किसी के साथ गलत होता था तो मेरे मन में विरोध आता था, मुझे लगता था ऐसा होना नहीं चाहिए, क्यों हो रहा है, पर वो व्यक्ति अपनी बात कह नहीं सकता था, उसे भय सताता था, वो पुलिस के पास नहीं जा सकता था, ऑफिसर्स के पास, हमारे एक भाई अभी कहे कि वो
सर्विस में थे और वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं. पॉलिटिक्स और सर्विस, सर्विस से बेहतर वो लोगों की सेवा पॉलिटिक्स में आगे कैसे कर सकते. अगर वो सर्विस में रहते हुए लोगों की ज़रूरतों को समझते तो आज उन्हें पॉलिटिक्स में आके सेवा करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वो अपने जीवन से संतुष्ट होते. मेरे आवाज़ में थोड़ा सा ये आ रही है क्योंकि मैंने देखा है, बहुत करीब से लोगों को देखा है. और जब मैं काम करती थी तो वो लोग आते थे कि अरे चलो सीमा के पास, मैं बहुत छोटी उम्र में ही आ गई थी, चलो सीमा के पास, उसके ये है, वो चाहती है, वो मदद करेगी. और मैं कुछ भी नहीं थी, मैं एक आम मैंने घर की लड़की, मैंने होते हुए भी मैं SP हो, मिनिस्टर हो, किसी के पास सीधे चली जाती थी, आपको ये काम करना होगा, ये जेन्युइन वर्क है, आप क्यों नहीं करेंगे. और धीरे धीरे लोगों ने कहा कि आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ जाती. और पता नहीं, शायद मेरे भाग्य में हो, क्योंकि ईश्वर दया करता है, मैं आई पर मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा. उस समय जब मैं काम करती थी तो लोगों को ये लगता था कि ये सेवा भाव से काम कर रही है, पर जैसे ही मैं पॉलिटिक्स में आई, लोगों, अच्छा सीमा जी मेरे मोहल्ले का लाइट नहीं जला, आइएगा वोट मांगने तो आपको वोट नहीं देंगे. बड़ा गुस्सा आता था, मत देना यार. मेरे घर का सामने का पोल का लाइट फ्यूज हो गया है सीमा जी, अरे यार मैंने आपको नंबर दे रखा है उस पर तो कॉल कर दो, वो भी मैं ही करूँगी क्या. तो अपेक्षाएँ इतनी बढ़ जाती हैं कि उन्हें सामने वाले से इतनी अपेक्षा होने लगती है. और सबसे सरल है, मैं देखती हूँ ट्रेन में सफ़र करो, कहीं आम जगहों पर चले जाओ, सबसे पहले लोग पॉलिटिक्स शुरू करते हैं और गाली पॉलिटिशियन को. लेकिन यदि पॉलिटिशियन ना हो तो कोई सरकारी सेवक में होंगे, वो चमड़े का सिक्का चला देंगे और उनका विरोध करने वाला कोई नहीं होगा. तो यदि कोई संतुलन स्थापित करता है तो वो पॉलिटिशियन है. मैं जब चुनाव लड़ने गई तो मैं नहीं जानती हूँ कि औरों के क्षेत्र की क्या समस्या हो सकती है, पर मेरे यहाँ मेरा राजधानी का सीट है, हटिया विधानसभा है, और उसमें कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं. तो मैं जब जाती थी तो हमारी बहनें वहाँ महिला समितियाँ बनी हुई हैं, पहले तो ऐसा नहीं था. तो बोलती है दीदी हमके तो वो डेगची दे हो, दरी दे हो, रावरे का देव तब रावरे के वोट देव. तो हम बोले कि वो तो डेगची दिया दरी दिया तो आप उसको वोट देने का वादा की, तो अब हम भी हमसे भी लेंगे तो आप वोट किसको करेंगे. यानी ऊपर से नीचे, जनता से लेके ऊपर तक, जब तक सुधार नहीं होगा, पॉलिटिशियन कहीं बाहर से पैदा नहीं होता है, वो हमारे आपके बीच से ही पैदा होता है. हर व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो राजनेता बने, चाहे वो सरकारी अफसर बने, अपने कर्तव्यों का निर्वहन यदि वो सही तरीके से करेगा तो हमें लगता है अपने आप सब चीज़ में सुधार हो जाए. तो मैं इस प्रश्न के साथ कि जब लोगों की अपेक्षाएं अनावश्यक इस तरह से बढ़ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए. धन्यवाद सीमा जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर. आपका प्रश्न भी जायज़ है, आपने उसमें ही जवाब भी दिया. हम यहाँ रुक जाएँ आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि अगले सेशंस आपके. अच्छा, ओके. ओम शांति. मैं मंच पर आसीन सभी नेतागणों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि पुरानी पॉलिटिक्स जो अब से 20 साल पहले हुआ करती थी, उस समय के नेता में और आज के नेता में इतना बड़ा परिवर्तन आया है. मैं 95 में ब्लॉक प्रमुख बना, उस समय एक गांव के प्रधान की भी एक इतनी बड़ी अहमियत होती थी कि अगर वो किसी कार्यालय में जाएगा तो उसकी बात को बहुत अच्छे से सुना जाता था. लेकिन आज एक MLA भी अपनी बात को एक अधिकारी से मनवाने के लिए उसको ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है. ऐसी पॉलिटिक्स जब हमारे चुने हुए MLA MPs अपनी पावर्स को ना पहचाने और वो अपने शीर्ष नेताओं से परमिशन लेके ही जनता का काम करें, तब वो जनता किसके पास जाएगी. जनता आपको पकड़ सकती है लेकिन शीर्ष नेताओं को नहीं पकड़ सकती. आज के टाइम में जो पावर्स है वो ऊपर चली जा रही है. जनता ने पावर्स दी आपको, नेता चुना आपको, लेकिन आप अपनी बात मनवाने में एक अधिकारी के बीच में और आपके बीच में एक गैप बहुत बड़ा होता चला जा रहा है, जिससे एक आम जनता अपना जो भी काम है वो आपसे नहीं करवा पा रही है. उसका क्या कारण है मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ.
दिल्ली का तो शॉर्ट में ही बोलूँगा। अभी भाई साहब ने एक छोटी सी बात कही, भाई किसी भी चीज़ के काम कराने की जनता तो आएगी अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास। मैं दिल्ली का विधायक हूँ और दिल्ली की जनता कोई भी त्रस्त है वो सबसे पहले अपने विधायक के पास ही आएगी। पर ये दिल्ली का दुर्भाग्य है, आज अगर दिल्ली को एक छोटा सा बहाना लगा के, अगर वहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, एक सीएम एक पीएन का जब ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हो तो वो क्या काम करा सकता है। मैं कहता हूँ इस देश का ही दुर्भाग्य होगा जो कि इतने उसमें होते हुए अभी इन्होंने कहा ना अभी काम नहीं करा पाते। जब मैं किसी अफसर को थोड़ा सा भी वो नहीं कर सकता तो वो अफसर मेरी क्यों मानेगा, उसको बोल दिया जाता तू सेंटर से ही होता है, मैं तो सेंटर की मानूंगा। तो ये एक समस्या दिल्ली की तो मैं आपको समझा सकता हूँ। अभी दिल्ली में एक भी विधायक कोई भी किसी अफसर के पास जाता है उसको एक ही बात आती है, कोई कुछ कर देता कहता भाई मेरा तो सेंटर से सीधा संबंध है। तो बताओ उसमें अभी भाई साहब ने कहा अभी काम नहीं होते तो वो सेंटर में ही कहेंगे हम तो। जब एक सीएम को पावर नहीं, सीएम के दफ्तर में उसको अपने लगाने के लिए एक पीएन की भी आवश्यकता होती है तो उसको पता नहीं होता कल तेरा पीएन कौन होगा। नहीं वो सुप्रीम कोर्ट तो करेगी, वो बात की बात होती है पर, लेकिन पब्लिक एक रिप्रेजेंटेटिव का वो होता है अगर भाई मतलब उसको एक अफसर की उससे ट्यूनिंग होके उसका काम कराएगा, उसकी समस्या सुनेगा पब्लिक की। तो मैं कहता हूँ दिल्ली का तो मैं सही बताऊँ दुर्भाग्य आज तक। ये सभी राजनेताओं के जीवन की समस्याएं हैं जो स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, वो डिस्कशन में आ रही है हम समझ सकते हैं बिल्कुल। परंतु फिर से हम घूम फिर कर मूल सब्जेक्ट पर जाएंगे कि जब आध्यात्मिकता, बहुत सुंदर बात कही, एक ही मिनट रुकिए आप, आध्यात्मिकता का फाउंडेशन होता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में, तब वो चाहे पॉलिटिक्स में जाए या किसी भी क्षेत्र में जाए, उसके जीवन के जो मूल्य है, वैल्यूज़ है, वो उसके काम में, उसके प्रोफेशन में झलकते हैं। और पहला सवाल जो हमारा था, शुरुआत हमने जिस सब्जेक्ट से की कि स्ट्रेस से कैसे अपने आप को दूर रखा जाए, तो बीइंग पॉलिटिक्स आप सभी को ये समस्याएं और ये तनाव जो नियमों की, कानूनों की कमी है जिसके कारण आपको सहन करने पड़ते हैं और फिर भी आप उस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो ये दर्शाता है कि आपके अंदर सेवा भाव है। और फिर भी तनाव जो आते हैं उनके साथ आप जो डील करते हैं वो आपके जीवन का अनुभव आध्यात्मिकता से जुड़े रहने के लिए आपको प्रेरित करता है। दूसरी बात जो निष्कर्ष, हम अभी निष्कर्ष पर जा रहे हैं, दीदी जी हमारे पास है, मेडिटेशन भी करना है, आप विशेष संदर्भ में कुछ बात करना चाहते? हाँ जी, एक मिनट में, हाँ जी कीजिए। ओम शांति। देखिए विषय ये था कि तनाव रोकने के लिए बुद्धि की सच्चाई सफाई। बुद्धि की सच्चाई सफाई क्या है? हमारे नॉर्दर्न इंडिया में एक संत हुए हैं, वो कहते थे दुनिया में जितने भी दुख मिलते, दुनिया में जितने भी दुख मिलते निज दोषों के कारण ही, जिसको इतना ज्ञान नहीं निज दोष मिटाना क्या जाने। तुलसीदास जी ने इसी बात को दूसरे ढंग से कहा है। तुलसीदास जी कहते मानस रोग कछुक में गाए, हैं सबके बिरले लख पाए। तो ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ने मानसिक रोगों को देख लिया कि जो लीडर हैं मानसिक रोगों के वो हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, और उनके कितने पुछल्ले हैं ईसा द्वेष करके। कहते हैं रावण का परिवार कितना बड़ा था, कहते एक लख पूत सवा लख नाती, माने 2.25 लाख प्रकार की बुराइयाँ होती हैं। जब बुराइयाँ आएंगी, आज पूरे समाज में बुराइयाँ हैं, तो हमारे राजनीतिक के राजनीतिक कोई बुरे नहीं होते। इसके लिए देखिए इनका जवाब जो अभी नहीं मिल रहा मैं स्पष्ट आपको बता दूं। एक जगह एक मीटिंग होती थी, वहाँ चर्चा हो रही थी दो सेठों के बारे में जिन्होंने पैसा पैदा किया। वो कहते थे बेईमानी से पैदा किया, बेईमानी से पैदा किया। मैंने कहा आप सब गलत कहते हैं। मैंने उनसे ही पूछा कि भाई आप जब छोटे थे और आज जो आपकी आर्थिक स्थिति है, तो आपने उन्नति की? बोले हाँ बहुत की। हमने कहा कितनी बेईमानी की? दूसरों के बारे में कह रहे हैं बेईमानी की कितनी? बोले नहीं हमने तो बड़ी ईमानदारी से और उससे काम किया। दूसरे से पूछा, एक कोतवाल थे उनसे भी पूछा, बोले मैं तो कांस्टेबल से कोतवाल तक पहुँचा हूँ, मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया। एक और वकील साहब से उनसे पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया। मैंने कहा जो 50 लोग बैठे हैं यदि मैं सबसे पूछूँ कि आपने अपने जीवन में जो उन्नति की वो कैसे की, तो कहते हैं ईमानदारी और सच्चाई से।
तो मैंने कहा ये दूसरे समाज में दूसरे के बारे में जो व्यक्ति यहाँ उपस्थित नहीं है उसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि उसने सच्चाई ईमानदारी से नहीं अर्जित किया, आप कैसे उनके बारे में बताते हैं दूसरे के बारे में। मैंने कहा देखिए इसमें गलती भूल कहाँ हो रही है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ये मनुष्य जीव एक मिनट आपके पास बहुत ही है कहने के लिए, लेकिन हमारे पास समय कम है। तो आपने समय एक मिनट देखिए आपने उनको जवाब देने के लिए कहा, वो सारे जवाब राजनीतिक पूरा माहौल नहीं, तनाव रोकने के लिए मैं पूरी बात बता सकता हूँ कि तनाव रोकने के लिए पहली बात तो मैं उनका उत्तर दिए दे रहा हूँ कि राजनीतिकों को लोग बेईमान क्यों कह रहे हैं, गड़बड़ कहाँ पर है। मैंने कहा मनुष्य जीवन जो है दो मिनट में कुछ नहीं बिगड़ा जाता, जब आपने इतनी देर हम लोगों को अब तीन दिन से समझ में आया आपका सवाल। आपका सवाल ये है कि अध्यात्म की राजनीति में क्या जरूरत होती है, ये आपको कहना है। उत्तर दे रहा हूँ जो उत्तर आपको स्पष्ट हो जाएगा, थोड़ा उत्तर दे रहे हैं तो रखिए, इतना टाइम आप जितने में तो उत्तर हो जाना था। अच्छा बोलिए एक अभी और एक मिनट। ओम शांति बहन जी आई एम सैटिस्फाइड। समय को नहीं गड़बड़ देखिए मैं कितनी देर से हाथ उठा रहा, आपने इसलिए नहीं अलाउ किया कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, आपको मालूम हो गया इसलिए आपने जो है सबसे पीछे रखा। और मनुष्य का जीवन जैसे स्केल होता है मीटर एक मान लीजिए, उसमें शून्य से लेकर 100 तक निशान है। होता यह है कि शून्य के पहले मनुष्य जन्मा है और 100 के ऊपर निकल गया तो समझो देवता बन गया, बीच में इंसान है, आप उसकी उन्नति की सीढ़ी मान लीजिए आपने 55 में ऐसे लाइन खिंचा दी। होता क्या है उसके अंदर, इसका मतलब यह है कि 55 क्वालिटीज़ हैं और 45 डिसक्वालिटीज़ हैं, 55 अच्छाइयाँ हैं और बाकी बुराइयाँ हैं। हम करते क्या हैं यहाँ, हमने स्केल को उलट दिया, ये आदमी इसलिए बुरा है कि इसके अंदर ये 45 बुराई है। अरे वो अपनी अच्छाई के कारण आगे बढ़ा है, राजनीति कोई साधारण चीज़ है क्या, MP MLA बनना साधारण चीज़ है क्या, लेकिन बनते हैं लोग और वोट देते हैं, लेकिन उनकी बुराई वो बुराइयाँ भी उनके अंदर हैं अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन जब बुराई इकट्ठी करके बताने लगे तो लगता है राजनीतियों से बुरा कोई अच्छा कोई नहीं, सारा देश वही संभाल रहे हैं। दूसरी बात तनाव रोकने के लिए मैं बात कर रहा था कि जब तक आपने राजयोग नहीं सीखा, अपने को आत्मा नहीं समझा, जब तक सबको अपना भाई नहीं समझा, जब तक परमात्मा पिता को अपना पिता नहीं समझा, अपने को परलोक परमधाम का वासी नहीं समझा, तब तक आप शरीर समझ करके जो बातें भेद बुद्धि हो जाती है उससे आपको अभेद बुद्धि में पहुंचना पड़ेगा। सारी भेद बुद्धि, पहली नर नारी का भेद, वय भेद, राष्ट्र भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, कुछ भेद कहाँ से आता है, अपने को शरीर समझने से। इसलिए अपने को आत्मा समझ करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो सारी दुनिया की समस्याओं का हल है। ओम शांति। आपका शुभ नाम फिर से एक बार बताएंगे आप? ओम प्रकाश। हाँ ओम प्रकाश मसूरी जी आपको बहुत बहुत तालियों से आप हम उनका अभिनंदन करेंगे, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। 9000 लेक्चर मैंने दिए हैं पूरे देश में, 156 लेक्चर अमेरिका कनाडा और इंग्लैंड में दिए हैं, और सब जगह देने का मतलब जो चीज़ है उसकी मूल समस्या हम लोग मूल विषय से ही वास्तव में देखा जाए तो हट गए, क्योंकि उल्टा हमने कर दिया। क्या कर दिया, कह दिया पहले तुम पवित्र बन जाओ और तुम सुधर जाओ। अरे पहले हम सुधरे हुए, सुधरने के लिए ही तो सारा खेल है यहाँ पर, यहाँ जो ज्ञान दिया जा रहा है वो सुधरने के लिए दिया जा रहा है। ओम शांति। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। हम समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर डिस्कशन हुआ, हमारे मंचासीन सभी महानुभाव ने बहुत अच्छे अच्छे विचार अपने जीवन के अनुभव से हमारे बीच रखे। राजनीति का क्षेत्र तनाव का ही क्षेत्र है, परंतु उस क्षेत्र में रहते हुए तनाव को सहन करते हुए समाज सेवा का लक्ष्य लेकर आप जो आगे बढ़ रहे, आप सभी मंच पर विराजित और आप सभी भी जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम सब की उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम आज के दिन आप सभी के लिए ये शुभेच्छा रखते हैं कि कभी भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा तनाव, स्ट्रेस, टेंशन या कोई भी उदासीनता ना आए, आप खुश रहे, आप तनाव रहित रहे और समाज की ऐसी ही सेवा करते रहे। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव का मैं मेडिटेशन से पहले ही धन्यवाद करना चाहती हूँ, ताकि हम लास्ट में हमारी आदरणीय बिंदु बहन जी हमारे बीच उपस्थित है, सीनियर राजयोगा टीचर मैसूर कर्नाटका से, उनके द्वारा
राजयोग का अभ्यास कमेंट्री सुनकर हम करें, उसके पहले मैं सभी ऑनरेबल गेस्ट का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने अपने जीवन से बहुत अच्छे अनमोल अनुभव हमारे सामने शेयर किए। डॉक्टर अरुण शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अरुण भाई को मैं अभी वही दे रही थी उनको कि हमने तो कंक्लूड किया, लेकिन अरुण भाई अपने विचार अभी रखेंगे और उसके बाद हम बिंदु बहन हमें योगाभ्यास कराएगी। अरुण भाई। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा इस सेशन में कि सब खुले दिल से अपने विचार रखे और बहुत सवाल का जवाब भी मिल गया। राजनीति इतना आसान भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है, हम लोग भी जानते हैं। और जो लोग रिस्क लेते हैं, जो लोग सहन कर सकते हैं, जो लोग सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, वही पॉलिटिक्स का लीडरशिप बनते हैं और उनका नॉलेज भी होना चाहिए। और अभी हम लोग का जो चर्चा का विषय है कि स्पिरिचुअलिटी हम लोग का पॉलिटिक्स में कैसे अप्लाई किया जाए। पॉलिटिशियन का टेंशन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा टेंशन क्या होता है, टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो पार्टी का होता है। उसके बाद बाकी कोई भी फियर होता है, कोई पद मिलने के लिए कुछ भी, इतना फियर होता है, इतना भय होता है, भय से बहुत टेंशन में रहते हैं लोग। और कोई लोग निंदा का वजह से टेंशन हो जाता है, कोई लोग बिना प्रूफ से मेरा कोई निंदा कर दिए, पेपर में कुछ लिख दिए, इसी पॉलिटिशियन का इमेज का खराब हो जाता है, तो बहुत टेंशन हो जाता है पॉलिटिशियंस को कि हम लोग इमेज के लिए बहुत ये रखते हैं, ध्यान रखते हैं, क्योंकि अच्छा इमेज नहीं होने से पॉलिटिक्स में रह नहीं सकता। लेकिन कोई लोग ऐसे खिलाफ बोल देते हैं, निंदा भी कर देते हैं और गलत तरीके से कोई न्यूज़ ऐसे निकाल देते हैं, तो तब बहुत टेंशन में आते हैं। मैंने देखा, मुझे अपना लाइफ में भी मैंने अनुभव किया। तो इसके लिए अपना ऊपर जो विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि मैं ठीक हूँ। और उसके बाद जो भाई साहब ने बोला, समर साहब ने, कि मैं परमात्मा का कनेक्शन में हूँ, मेरा दिल सच्चाई और सफाई है, मन बुद्धि सच्चाई सफाई के लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में किया बोला, क्योंकि मैं 10 साल से जुड़े हूँ पॉलिटिक्स में रहते हुए भी। किसी आदमी के लिए इस दुनिया में किसी का खिलाफ एक भी निगेटिव बात मेरा मन में है तो मेरा मन पवित्र नहीं है। कोई समान संपर्क, कोई पॉलिटिक्स, दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी का खिलाफ भी मुझे कोई दिल में, मेरा मन में कोई अशुभ भावना है तो मेरा मन शुद्ध नहीं है। अशुद्ध भावना, अशुद्ध मन से किसी का कल्याण कर नहीं सकता। पहले हम लोग को मन का सफाई करने के लिए पवित्रता का जो बात हुआ है वही मेन फाउंडेशन है, कि हम लोग दूसरा का कोई निगेटिविटी, दूसरा को निगेटिव देखना, ये सबसे अपवित्रता है, ये मन का सफाई नहीं है, बुद्धि का सफाई नहीं है। और कुछ बात में कुछ होने वाला है इसमें कि क्या होता है, हम लोग ज़्यादा से निगेटिव, ये नहीं होगा तो, और कोई सस्पिशन होता है, ये नहीं करेगा तो, ये मुझे धोखा दे देगा तो, इसी से ही हम लोग का बहुत निगेटिव बात चलते रहते हैं और इसीलिए हम लोग का बिहेवियर में थोड़ा इसको प्रकाश में आते हैं। तो हम लोग को जब आध्यात्मिकता का पूरा अनुभव होगा, जो एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मैं इसके बारे में इसीलिए बोल रहा हूँ कि पॉलिटिक्स क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, पॉलिटिक्स एक साइंस है। जो थ्योरी में यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, वो उधर कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रैक्टिकल करने वाला हम लोग हैं पॉलिटिशियंस, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो पॉलिटिशियन क्या, हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं, लोगों का दिल में, लोगों का मन के ऊपर हम लोग का प्रभाव डालते हैं। तो इसीलिए हम लोग को भी साइंटिफिक रूप से हम लोग को साइंस जैसे अप्लाई करते हैं ना, पॉलिटिकल साइंस है, इसी हिसाब से स्पिरिचुअलिटी भी एक साइंस है। जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, कोई लोग मुझे गाली दे दे, जैसे भाई साहब ने भी बोला, 2-3 भाई ने, कि फर्स्ट हम लोग का है कि साइलेंस में रहने का, गाली सुनने के लिए हम लोग का धीरज चाहिए, साहस भी चाहिए। मैंने एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके देखा, जब ये मेरे
स्पिरिचुअलिटी के बारे में नॉलेज मिला। मैंने एमपी था तब, तब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में गया, एक लेडी जाके मुझे बहुत समय गाली दिया, कम से कम 15 मिनट लगातार गाली देते रहे। मैंने सीख के गया कि उनको बोल दो, मैं जवाब दे सकता है, क्योंकि वो गलत फहमी से किसी से उनको मिसलीड करके भेज दिया है मुझे रुकने के लिए, तो मैंने सुनते रहा। उसके बाद वो ठंडा हो गया। आप साइलेंस में हैं तो वो साइलेंस में होगा, आप एक बात बोलेगा वो 10 बात बोलेंगे, आप साइलेंस में रहिए। मैंने बहुत पॉलिटिशियन देखा है जो बहुत कम बात बोलते हैं, बातों से बात बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए कम बोलना, सच बोलना, धीरे से बोलना, ये पॉलिटिशियन का ये यूनिवर्सिटी में सिखाते हैं स्पिरिचुअलिटी में। और बाकी है कि महात्मा गांधी जी भी हाथ में गीता लेके घूमते थे, जितना फ्रीडम फाइटर थे, इसीलिए ब्रिटिश को भगा सका है, क्योंकि गीता में सब कुछ है कि निंदा स्तुति मान अपमान सब में हमका स्थिति एक समान होता सही है। गीता एक थ्योरी है और हम लोग प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना है तो पॉलिटिक्स में ज़रूर सक्सेस होगा। एक दिन लोग बोलेगा मुझे तो बहुत लोग गाली देते हैं, कुछ कुछ क्या करते हैं इंटरव्यू, बाद में वही लोग आके बोले मुझे बहुत गलती हुआ आपके बारे में, मैंने गलत समझा, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिला, अभी मेरा क्लियर हो गया, लेकिन उस समय तक मुझे धीरज चाहिए, नहीं तो मैं उनके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई कर लेता तो मुझे बहुत नुकसान हो जाता। और ये ब्रह्मा कुमारी के बारे में इस हम लोग का चर्चा में आया कि ये संस्था सफ़ेद कपड़ा वाला ये सिर्फ आध्यात्मिकता का प्रैक्टिस करता है, संता में रहते हैं, तो बाकी हम लोग पॉलिटिशियंस लोग इधर कैसे जुड़ेगा, हम लोग तो इसे जाने से तो पॉलिटिक्स कहाँ चलेगा, पॉलिटिक्स चलेगा नहीं, लेकिन ये बात नहीं है। ब्रह्मा कुमारी में समर्पित बहन 1% भी नहीं होता है, हज़ारों में एक समर्पित बहन होता है जो सेंटर में रहते हैं, और 100% वो अनमेरिड है और घर से भी ज़्यादा संपर्क नहीं है, 100 ईश्वरीय पालना में ईश्वर का कर्म के वो ईश्वरीय ज्ञान को विस्तार करने के लिए उनको निमित्त बनाया है, लेकिन बाकी घर की गृहस्थी में रहने वाला मैं जैसा हूँ, बाकी जो बिजनेस में जो भी है वो घर गृहस्थी वाला आके उधर शिक्षा लेते हैं, वो शिक्षा भगवान ने उनका निमित्त उनको निमित्त करके हम लोग को देते हैं, उसको लेना चाहिए, हम लोग का घर परिवार को भी देना है, पार्टी का लोगों को भी देना चाहिए, तो समाज का कल्याण होगा, क्योंकि इधर बहुत आंसर्स मिलते हैं जो हम लोग का सवाल पॉलिटिक्स में समाज में नहीं आता है, इसका सब हर क्वेश्चन का जवाब हम लोग को मिल सकता है। और बाकी मैंने एक बात करके समाप्त करता हूँ, मेरा जो कमेंट देने के लिए बोला था कि साइलेंस भी एक पावर है, और स्पिरिचुअलिटी एक साइंस है, साइंस जैसे हम लोग को एप्लीकेशन कर सकते हैं हर फील्ड में, हर कर्म में जो इसमें से ज्ञान मिलते हैं, स्पिरिचुअलिटी को इस विश्वविद्यालय से देते हैं हम लोग, बीच बीच में इसका कनेक्शन है, पीस ऑफ माइंड देखे, हर सिचुएशन को फेस करने के लिए हम लोग को साहस होगा और हम लोग आसानी से पॉलिटिकल फील्ड में आगे बढ़ सकता है और लोगों को भी आगे बढ़ा सकता है, ये मेरे विचार है। और यास जो डिस्कशन हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि गलत तरीके से मैंने कैसे कैसे लोग सोचते हैं हम लोग, और पॉलिटिशियन के खिलाफ बहुत लोगों का रॉन्ग इम्प्रेशन भी है, ये इम्प्रेशन ऐसे फैला देते हैं, और भाई साहब ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया कि पॉलिटिशियंस शशि दंग से अमीर बन जाए तो तुमको क्या नुकसान है, पॉलिटिशियन होना ही गरीब होना वही भी ठीक नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स जब पॉलिटिक्स में सब सत्ता में नहीं होता ना, सत्ता के हटने के बाद उनका इतना हालत ख़राब हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी जाने के लिए भी, लोगों को मिलने के लिए, उनको साई पिलाने के लिए पैसा नहीं होता है। मैंने देखा बहुत पॉलिटिशियन अभी वृद्धाश्रम में है, एक XML आसाम का वृद्धाश्रम में है, उनका घर परिवार का भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हुआ और वृद्धाश्रम में चला गया, ऐसे भी हाल होता है। तो इसीलिए बहुत अच्छा लगा ये सेशन में सबका पार्टिसिपेशन रहा और हम लोग सब लाभ उठाए, और इसी शब्द के साथ में अपना विचार रख के मेरा कमेंट समाप्त विराम देते हूँ, और मैं अभी कल्पना बहन को
धन्यवाद डॉक्टर अरुण शर्मा जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर, आपने पूरा कंक्लूड किया। अब मंचासीन महानुभावों को संस्था की तरफ से एक भेंट सौगात अर्पण की जाएगी। मैं आमंत्रित करती हूँ बहनों को कि सौगात लेकर आएं। हमारे बोपोड़ी पूना सेंटर के सुनीता बहन जी को आमंत्रित करते हैं सौगात वितरण के लिए। मिस्टर सुखबीर सिंह जी, करतल ध्वनि से हम आपका सम्मान करते हैं। मिस्टर रघुनंदन शर्मा जी, हाँ जी, बीमार थे। हाँ हेलो, तो मैं आ नहीं पा रहा था तो मेरे से यहाँ से गया कि हमारा एक हॉस्पिटल है, आप जरूर आ जाना। मैं आ गया यहाँ आके, मैंने कल आपके हॉस्पिटल में जब गया ना, डॉक्टर साहब ने मेरी मतलब इधर देखा उधर देखा और उसने मुझे दो चीज़ें दे दी। उसने मुझे 5 गोलियाँ दी, मैंने कहा भी लिख के दे दो। तो उसने मुझे पहली गोली दी, कहता आप धीरज रखना। दूसरी उसने कहा प्रेम। तीसरी उसने मुझे शांति की और चौथी मुझे खुशी और एक संतुष्टि की। ये तो मुझे गोलियाँ दी, कहता जाओ आपका दर्द ठीक हो जाएगा, स्ट्रेस में रहते होगे ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। मैं कहा डॉक्टर साहब मैं आया तो दिल्ली से था, मैं बड़ा खुश हो गया। फिर कहा भाई आपके साथ साथ मैं आपको 3 चीज़ें और देता हूँ, आपके दिल में 3 फैक्ट्रियाँ लगाता हूँ, उसको मेरा याद करके रखना। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं ज़रूर, मैंने सोचा भाई और भी कुछ देगा। उसने मुझे कहा पहले आपकी एक आइस फैक्ट्री लगाता हूँ, उसको हमेशा अपने दिमाग में रखना आइस फैक्ट्री। दूसरी उसने कहा मैं शुगर की फैक्ट्री, कहता उसको अपनी जबान पे रखना मुंह में। और तीसरी फैक्ट्री उन्हें लव की दी, कहता वो अपने दिल में रखना, जाओ आप कभी स्ट्रेस में नहीं रहोगे। इसलिए मैं ये लेके जा रहा हूँ, अगर भगवान ने चाहा तो मैं इसे सफल हो जाऊँगा। मुझे उस टाइम ध्यान नहीं रहा, मैं यही कह रहा था यार यहाँ आने के बाद मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिला है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं जाना पड़ रहा है जल्दी, नहीं तो मैं 4 दिन रहता इन भाई। धन्यवाद, बहुत ओम शांति। मिस्टर रघुनंदन शर्मा जी, वाइस चेयरमैन खड़ी खादी ग्राम उद्योग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ MP। मिस्टर शिवाजी माने, XMP नांदेड महाराष्ट्र। मिस्टर विनायक निमन, फॉर्मर MLA पुणे महाराष्ट्र। धन्यवाद। अब हम कुछ मिनटों के लिए साइलेंस में सब बातों को अपने बुद्धि से निकालकर शांति से मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ हम सबको राजयोग अभ्यास में ले जाने के लिए BK बिंदु बहन को। ओम शांति। तनाव मुक्त होने के लिए हरेक के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। योग माना याद संबंध जोड़न, राज योग माना आत्मा परमात्मा को याद करना, आत्मा परमात्मा से संबंध जोड़ना। वास्तविक में राजयोगी अर्थात राजा जैसे बैठक मानसिक
अटेंशन के लिए शारीरिक अटेंशन भी बहुत ज़रूरत है, इसलिए लेट्स सिट कंफर्टेबल।